हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जीएमबीआर। हम चैप्टर फिफ्थ को डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कंट्रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया हुआ है, आज हम पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे और दैट इज कंपाइल्ड रूल नंबर 98 to 130। तो काफी लेंदी है ये भी। यहाँ पे रूल्स आपको दिख रहे होंगे, केवल 32 के अराउंड रूल हैं, बट नेवरदलेस बहुत सारे प्रोसीजर बताए गए हैं, तो काफी लेंदी है। बट एज सच सारे प्रोसीजर आपको यहाँ पे याद नहीं रखने हैं। लाइसेंसिंग का प्रोसीजर क्या है, अपील की प्रोसीजर क्या है, कैसे स्टेप बाई स्टेप आपको जाना, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओवरव्यू मैं आपको बता दूंगा और आपको भी जो इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा वही चीजें याद रखना है। अदरवाइज बाकी जो भी प्रोसीजर्स हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, उसको आप छोड़ सकते हो। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @ManuAcademy। आप मनु अकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज रूल नंबर 91, लाइसेंसिंग ऑफ एजेंट इंगेज इन द सेल ऑफ टिकट। आपको पता है कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उस पे गुड्स के लिए टिकट, या फिर गुड्स की बुकिंग हो, या फिर जो पास जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसके टिकट सेल करने के लिए एजेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे उनके कंडीशंस के बारे में बताया गया है। आप व्हीकल के ओनर हो तो आप किसी भी ऐसे आदमी को हायर नहीं कर सकते हो टू सेल द टिकट जिसके पास एक वैलिड एजेंट लाइसेंस नहीं हो। इसका मतलब क्या है, जो लोग भी टिकट सेल करते हैं सबके पास लाइसेंस होता है टिकट सेल करने का। जिस पर्सन के पास लाइसेंस है उसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया की बात की गई है, उसकी एज 20 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, और किसी भी एजेंट के पास किसी पर्टिकुलर रीजन में एक से ज्यादा उसके पास इफेक्टिव एजेंट लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, सपोज करिए आपके पास ओमनी बस का लाइसेंस है कि आप उसका टिकट बेच सकते हो, तो ऐसा नहीं कि आपके पास मैक्सी कैब, स्टेज कैरेज, मतलब जो अलग अलग कैटेगरी की ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं सबका आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा कि आप सबका टिकट सेल करो। जो भी मोटर व्हीकल है अगर आप किसी को हायर करते हो तो आपको इंटीमेट करना होगा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को। हायर करना मतलब किसी को भी आप एजेंट हायर करते हो तो इंटीमेट करना होगा, और जो आदमी हायर किया गया है वो अप्लीकेशन दे सकता है हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ। जो भी फी और फॉर्म मेंशन है, फॉर्म हमारा रूल 70 में मेंशन है, फी हमारा रूल 71 में मेंशन है, तो जो भी फॉर्म और फी है उसके साथ वो एजेंट के लाइसेंस के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास जा सकता है। आप हायर कर रहे हो इसका मतलब नहीं कि आप ऐसे आदमी को हायर कर लो जिसके पास लाइसेंस ही नहीं हो। आप केवल उसी आदमी को हायर कर सकते हो जिसके पास लाइसेंस है, अदरवाइज वो आपके यहाँ एजेंट का काम नहीं कर सकता है। करेगा तो दैट विल इनलीगल, दैट विल कंसिडर एज अ इनलीगल एक्टिविटीज। नेक्स्ट जो सब रूल 6 है, जो आपका एजेंट लाइसेंस है उसका रिन्यूअल भी जो हमारी ट्रांसपोर्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसी के पास होगा, और उसके लिए भी जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, जो प्रेस्क्राइब्ड फी है, उसके साथ आपको एप्लीकेशन देना होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ। इन सब में केवल एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइसेंस होता है, जो लाइसेंस की वैलिडिटी होती है एजेंट के लाइसेंस की वैलिडिटी, दैट इज फॉर द 3 ईयर। तो आपको केवल यही ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें प्रोसीजर है ऐसा जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो उसी रीजन में होती है जिस रीजन के लिए इशू किया गया है। ऐसा नहीं आपने आपके पास अहमदाबाद का है, आप जाके पाटन में टिकट सेल कर रहे हो, आप जाके आनंद में या फिर सूरत में टिकट सेल कर रहे हो, ये पर्टिकुलर रीजन वैलिड होता है। तो जहां के लिए आपको ये इशू किया गया है लाइसेंस वहीं पे आप टिकट सेल कर सकते हो। जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है ये किसी रीजन के साथ, अगर इसके पास ऐसा कोई रीजन है जिससे ये रिफ्यूज कर सकती है टू इशू और रिन्यू द एजेंट लाइसेंस, तो ये कर सकते हैं। ये रीजन आपको राइटिंग में इंटीमेट किया जाएगा। सब रूल 9 में सिक्योरिटी मनी की बात की गई है, तो जो भी ग्रांट ऑफ लाइसेंस हो या फिर रिन्यू ऑफ लाइसेंस है उसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटी मनी अप्लीकेंट को देना पड़ता है हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को। सिक्योरिटी मनी इन द सेंस कि इसलिए जमा कराया जाता है, रिफंडेबल होती है, बट नेवरदलेस आप कोई ऑफेंस करते हो या फिर कोई भी कियोस्क क्रिएट करते हो या मिसयूज करते हो अपने लाइसेंस का, तो उस टाइम पे अथॉरिटी के पास एक डिपॉजिट होता है जिसको वो जब्त कर सकते हैं, तो इसलिए आपको कुछ सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है। यहाँ पे रुपीज मेंशन है, दैट इज 1000, बट ये वेरिएबल है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है कि 1000 रुपीज होता है, ये चेंज होता रहता है। तो नेवरदलेस सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करना होता है। जो हमारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है किसी भी रीजन से,
आपका जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है। बट नेवरदलेस जब भी आपका लाइसेंस का सस्पेंशन होगा या कैंसिलेशन होगा तो जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसका जो रीजन होगा वो रिकॉर्ड करेगी, मतलब राइटिंग में। ऐसा नहीं कि बस बोल देंगे कि आपका लाइसेंस कैंसिल है तो कैंसिल हो जाएगा। यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजन कि आप लाइसेंस को क्यों कैंसिल कर रहे हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एजेंट का लाइसेंस अगर सस्पेंड होता है, कैंसिल्ड होता है, ठीक है, जो भी है, या फिर वो सरेंडर करता है, तो जो भी आपकी सिक्योरिटी मनी है वो पार्शली या फुल्ली जब्त की जा सकती है, अगर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को लगता है कि ये जब्त किया जाना चाहिए तो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रोवाइडेड दैट अगर कहीं पे फोर फर्निस का ऑर्डर दिया जाता है, आपके पैसे जब्त करने का ऑर्डर दिया जाता है, तो इसके लिए आपको सुना जाएगा, आपको भी चांस मिलेगा। यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जेक्शन कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, व्हाट एवर दैट। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, जो भी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट आपकी जो है उसको अगर जब्त किया जाता है तो आपका लाइसेंस सीज रहेगा उस टाइम पे। कोई भी ऑफेंस आप करते हो, आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त की जाती है तो आपका लाइसेंस सीज कर दिया जाएगा। और सपोज एग्जांपल से समझना इस पूरे सेक्शन में, वो सब सेक्शन में, सब रूल में क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर सपोज करिए आपने 1000 रुपीज सिक्योरिटी मनी जैसे कि बताया गया है डिपोजिट किया गया, किसी ऑफेंस की वजह से आपकी 500 सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली गई, ठीक है, तो आपको ये 500 वापस से विद इन 30 डेज डिपॉजिट करना होता है, मतलब ओरिजिनल स्टेज में आनी चाहिए आपकी जो सिक्योरिटी मनी है, ये जितना भी होगा, जितना जब्त किया गया, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 30 डेज यू हैव टू कंपनसेट द मनी, जितना जब्त किया गया उसको कंपनसेट आपको करना है। नेक्स्ट जो सब रूल 13 है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर मोटर व्हीकल का ऑफिसर है कोई, जिसकी भी पोस्ट असिस्टेंट इंस्पेक्टर या फिर इससे ऊपर है, वो डिमांड कर सकता है आपके लाइसेंस, एजेंट लाइसेंस के इंस्पेक्शन के लिए, तो आपको देना होगा। जो हमारा रूल 99 है, लाइसेंसिंग ऑफ एजेंट इंगेज्ड इन कलेक्टिंग, फॉरवर्डिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स। अब यहाँ पे कुछ आपको टर्मिनोलॉजी दी गई है, बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी अगर आगे यूज की जाती है, जो पर्टिकुलर हमारे रूल्स 101 01 आगे जो हम रूल्स पढ़ेंगे उनमें ये टर्म यूज किए जाते हैं, तो इसकी मीनिंग यहाँ पे बताई गई है कि क्या होगी। जैसे एजेंट अगर कहीं पे यूज किया जाता है, तो एजेंट मतलब कोई भी ऐसा आदमी जो इंगेज हो किसी ऐसे बिजनेस में, जो सामान कलेक्ट करता हो, उसको फॉरवर्ड करता हो, डिस्ट्रीब्यूट करता हो, कंसाइनमेंट लेना हो, डिलीवर करता हो, इस टाइप की एक्टिविटीज में कोई इन्वॉल्व है तो उसे हम कहेंगे एजेंट। एजेंट लाइसेंस का मतलब कि जो भी एक्टिविटीज अभी हमने पढ़ा है जो एजेंट कर सकता है, चाहे वो टिकट सेलिंग का हो, कंसाइनमेंट से रिलेटेड बुकिंग का हो, लगेज बुकिंग का हो, ये सारी एक्टिविटीज में जो आदमी इन्वॉल्व है उसके पास एक एक लाइसेंस होना चाहिए, और वो लाइसेंस कहलाता है एजेंट लाइसेंस। नेक्स्ट जो आपका सब रूल 3 है, रूल 100, 100 मतलब रूल यहाँ पे बात की गई ग्रांट ऑफ एजेंट लाइसेंस। तो जो रूल 100 है जो एजेंट के लाइसेंस की बात करता है, तो एजेंट के लाइसेंस में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है सप्लीमेंट्री लाइसेंस और पहला होता है प्रिंसिपल लाइसेंस। प्रिंसिपल का एक सप्लीमेंट्री होता है, मतलब कोई भी आदमी के पास दो लाइसेंस हो गए, अगर वो एजेंट लाइसेंस इशू कराता है तो एक प्रिंसिपल लाइसेंस होगा फॉर हेड ऑफिस और एक सप्लीमेंट्री लाइसेंस होगा फॉर द ब्रांच ऑफिस। सपोज आपकी एक हेड ऑफिस है और आप ढेर सारी ब्रांच ओपन करना चाहते हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि हर के लिए अलग अलग लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा। आप एक लाइसेंस इशू कराओगे और वहां पे आपको सप्लीमेंट्री लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा आपके सेम नाम से, जैसे हेड ऑफिस होगा उसी के नाम से होगी आपकी ब्रांच, तो सेम नाम से आपको सप्लीमेंट्री लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा जहां से आप ये सारे एजेंट की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली उसी की बात की गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो अगर कहीं पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी की बात किया जाता है, दैट्स मीन कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को वो इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जो भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ABCD जो हमने पढ़ा है, दैट विल वैलिड फॉर द रूल 100 101 234, ये पूरा चैप्टर के लिए वैलिड नहीं है, केवल यही जो हम पढ़ रहे हैं एजेंट लाइसेंस से रिलेटेड जो चीजें पढ़ रहे हैं वहीं के लिए वैलिड है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 100, ग्रांट ऑफ एजेंट लाइसेंस, एज सच मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा जो रूल है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर की बात की गई है। तो किसी भी आदमी जिसको लाइसेंस चाहिए, डेफिनेटली एज इट इज हम पढ़ते आए हैं कि जो हमारा रूल 70 है जो फॉर्म की बात करता है, और रूल 71 है जो फी की बात करता है, तो जो भी फॉर्म और फी है प्रेस्क्राइब है जो आपके लिए उसके हिसाब से, और जो भी डॉक्यूमेंट है आप अप्लीकेशन दो और आपको लाइसेंस इश्यू कर दिया जाएगा, अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी सोचती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट फिट है तो।
नेक्स्ट जो सब रूल टू है, एज सच पहले भी मैंने कहा ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो अगर हमारे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है आपके एप्लीकेशन को कंसिडर करता है कि आपको लाइसेंस इशू करना है, तो उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी कंसिडर की जाएंगी। फर्स्ट इज द नंबर ऑफ गुड्स कैरेज, जो गुड्स कैरेज है वो एप्लीकेंट द्वारा ओन है या फिर उसके अंडर कंट्रोल्ड है। जैसे बहुत सारे लोग भाड़े पे लेके यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों की खुद की गाड़ी होती है, तो ये सारी चीजें कंसिडर करते हैं जब आपको एप्लीकेशन ग्रांट किया जाता है उस टाइम पे। एकोमोडेशन की फैसिलिटी आप दे रहे हो कि नहीं, आपके पास जो स्टोरेज की फैसिलिटी है कि नहीं गुड्स की, मतलब ये सारी फैसिलिटी है यहाँ पे वन बाय वन करके मेंशन की गई है। पार्किंग की फैसिलिटी है कि नहीं, आपके पास फाइनेंशियल सोर्स क्या है, आप ये सारी चीजें कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये सारी चीजें कंसिडर करती है हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ग्रांट कर सकती है ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद, दे कैन ग्रांट और रिन्यू। रिन्यू की बात इसलिए की जाती है कि सपोज आपके पास ऑलरेडी है तो आप भी रिन्यू के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाओगे, और कोई नया आदमी है तो नया लाइसेंस ग्रांट करने के लिए, नया लाइसेंस लेने के लिए भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। तो दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन है, तो अगर उसको सेटिस्फाई है वो, तो दे कैन ग्रांट द सप्लीमेंट्री लाइसेंस इंक्लूडिंग द लाइसेंस। लाइसेंस भी ग्रांट करेगा और सप्लीमेंट्री लाइसेंस भी आपके लिए ग्रांट कर दिया जाएगा। वो चाहे अगर उसके पास वैलिड रीजन है तो दे कैन रिफ्यूज ऑल्सो, वो रिफ्यूज भी कर सकता है। नेक्स्ट जो सब रूल फोर है, यहाँ पे सिक्योरिटी मनी की बात की गई है कि आपका लाइसेंस चाहे ग्रांट किया जाता है न्यूली या फिर रिन्यू किया जाता है, उसके लिए जो भी सिक्योरिटी मनी है वो यू हैव टू डिपॉजिट, दैट इज 5,000 रुपीज यहाँ पे मेंशन। बट एज सच ये अमाउंट, जैसे कि पहले भी मैंने कहा जहाँ पे 1,000 था, ये आपके वो चेंज होती रहती है, तो यू नीड नॉट टू रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि पहले हमने बात कर लिया कि प्रिंसिपल पार्ट होता है उसका और एक सप्लीमेंट्री पार्ट होता है। जो प्रिंसिपल पार्ट होता है दैट विल फॉर द हेड ऑफिस, और जो सप्लीमेंट्री पार्ट होता है दैट इज फॉर द ब्रांच ऑफिस, जहाँ से आप लोडिंग अनलोडिंग ये सारी चीजें कर सकते हो। हेड ऑफिस से आप सारी ब्रांच ऑफिस को कंट्रोल करते हैं, दिस इज द एक्टिविटीज। तो ये दो लाइसेंस आपको इशू किए जाते हैं। जो सब रूल सिक्स है, जो आपका प्रिंसिपल लाइसेंस है वो आप डिस्प्ले करोगे आपके हेड ऑफिस पे, और जो आपका सप्लीमेंट्री लाइसेंस है यू हैव टू डिस्प्ले ऑन द ब्रांच ऑफिस, एक्सेप्ट देन। सपोज करिए आपके अगर रिन्यूअल के लिए गए आपके पास लाइसेंस है ही नहीं, तो आप कैसे डिस्प्ले करोगे? तो एक्सेप्ट देन कि आपने ये सारी चीजें सबमिट किया हुआ है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पार्ट टू रिन्यू, अगर रिन्यू हो गया है या आपके पास प्रेजेंट है तो यू हैव टू डिस्प्ले ऑल दिस। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, एजेंट लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके नाम से इशू किया जाता है तो आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। ये वैलिड होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये वैलिड होता है 3 ईयर के लिए। और जो इसका सप्लीमेंट्री लाइसेंस होता है, ये आपके प्रिंसिपल लाइसेंस के साथ ही इसकी वैलिडिटी होती है। मतलब आपका प्रिंसिपल लाइसेंस वैलिड है, सप्लीमेंट्री लाइसेंस वैलिड है, बहुत सारी चीजें उसके साथ ही चलती हैं, क्योंकि नाम ही इसका सप्लीमेंट्री पूरक है। अगर मान लीजिए आपका प्रिंसिपल लाइसेंस सस्पेंड हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी सप्लीमेंट्री लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि ये उसी के एक तरह से सप्लीमेंट्री हैं। नेक्स्ट जो आपका रूल है 101, रिन्यू ऑफ द एजेंट लाइसेंस। तो रिन्यू ऑफ द एजेंट लाइसेंस का भी प्रोसीजर सेम है एज इट इज, जैसे कि हमने इससे पहले प्रोसीजर पढ़े हैं कि 70 में जो आपके फॉर्म मेंशन है, यू हैव टू अप्लाई द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद प्रिस्क्राइब्ड फीस विद द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो आपका रिन्यू कर दिया जाएगा। और जो भी आपका लाइसेंस है प्रिंसिपल लाइसेंस सप्लीमेंट्री लाइसेंस के साथ, उसको हमारी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है दैट विल इंडोर्स। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 102, कंडीशन ऑफ एजेंट लाइसेंस। क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी है अगर आपके पास एजेंट लाइसेंस है? तो पहले तो आपके पास एडुकेट स्पेस होना चाहिए फॉर द पार्किंग ऑफ द व्हीकल या फिर पर्पज ऑफ लोडिंग अनलोडिंग। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं आपको बस ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ ना, एज सच कोई ऐसा चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप खुद से भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एज सच चीजें पढ़ते ही समझ में आ रही है क्या क्या है यहाँ पे। ऐसा कोई लॉ की लैंग्वेज नहीं है जिसको डिकोड करने की जरूरत पड़ रही है, आपको समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं। आप खुद से पढ़ोगे तो भी ये सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। तो एक बार अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी। और ऐसा चाहिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन जनरल सेंस इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप खुद भी सोच सकते हो कि एक जनरल कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है, जो कि आप अगर आपको ना भी पता है तो भी आप एक जनरल व्यू से सोच सकते हो कि ये सारी चीजें तो होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इस स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करना आपको, गुड्स के डिलीवरी या कंसाइनमेंट जो है उसकी डिलीवरी का, अगर आप लाइबल हो, अगर कोई भी क्षतिपूर्ति होती है, सामान का कोई भी लॉस होता है, कोई भी डैमेजेज होता है, तो उसके लिए आप लाइबल होता है, मतलब जो भी एजेंट है वो लाइबल है, जो उसको कंसाइनमेंट, जो इसका कंसाइनमेंट ले रहा है बेसिकली। बहुत बार आपने देखा होंगे कि आपका जो सामान है उसके लिए इंश्योरेंस कवर भी होता है, तो इसका भी ध्यान रखना है कि अगर इफ इट्स पॉसिबल तो आप प्रोवाइड करो उसका, एडुकेट इंश्योरेंस कवर लो आप। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, सब रूल सी है, एज इट इज यहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन है इन जनरल व्यू की, अगर कोई कंसाइनर है, कंसाइनी है, अगर आपके यहाँ कोई गुड्स की बुकिंग होती है तो आप उसके लिए रिसिप्ट इशू करेंगे, वो सारी डिटेल आप उसमें मेंशन करोगे, वेट, डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है, किस तारीख पे डिलीवरी होगी, क्या सारी चीजें हैं, लेबर चार्ज क्या है, लोडिंग चार्ज क्या है, अनलोडिंग चार्ज क्या है, सर्विस चार्ज क्या है, ये सारी चीजें आप बताओगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, आप जो कंसाइनमेंट है या जो गुड्स की डिलीवरी है, बिना रिसिप्ट के या बिना किसी अप्रूवल के डिलीवर नहीं करोगे। जैसे कि आपको पता है कि बहुत बार, जैसे ऑनलाइन आजकल प्लेटफॉर्म है तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपके पास मैसेज आ जाता है, तो इस टाइप का कुछ आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि जो आदमी को आप सामान डिलीवर कर रहे हो वो ऑथेंटिकल आदमी है। जो भी प्रोसीजर, जो भी आप रिसिप्ट फॉलो करते हो, काउंटर रिसिप्ट देते हो, आपके वहाँ के ब्रांच पे मैसेज भेजते हो, जो सामान को लेने वाला है उसके पास मैसेज भेजते हो, जो भी आपको प्रोसीजर लगता है वो होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड मांगा जाता है आपसे, तो वो आपको मेंटेन करना होता है। जो भी कंसाइनर या कंसाइनी है, आप जो भी सामान या गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसके लिए उसको रिसिप्ट दोगे आप, बिना रिसिप्ट के आप सामान लोड या अनलोड नहीं करोगे। यू हैव टू मेंटेन द फॉर्म ART, एक प्रॉपर फॉर्म आपको मेंटेन करना होता है, जो कि बेसिकली रिकॉर्ड रखता है कलेक्शन से रिलेटेड, डिस्पैच, आपके गुड्स के डिस्पैच, डिलीवरी से रिलेटेड, और जिस व्हीकल में आप ये सारी चीज़ें डिस्पैच कर रहे हो या सामान को कैरी कर रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन मार्क, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना होता है। जो भी कमीशन आप चार्ज कर रहे हो या सर्विस चार्ज, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेज जो आप कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें फिक्स की जाती हैं हमारे लाइसेंसिंग के थ्रू या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करोगे। यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर अकाउंट फॉर द कमीशन चार्ज, ये कभी भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है कि आपने कितने चार्ज किए हैं, कितना कंसाइनमेंट डिलीवर किया है, कितना बुकिंग आई है, दोनों अगर मिसमैच होते हैं तो डेफिनेटली आपने रूल ब्रेक किया है, तो आपको एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना होता है जिसमें केवल और केवल आपके सर्विस चार्ज या चार्जेज जो भी चीजें हैं डिलीवरी से रिलेटेड, सामान डिलीवरी से रिलेटेड जो भी आपने चार्जेज अप्लाई किए हैं उसके लिए आपके पास एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। यू हैव टू मेंटेन अ वेइंग मशीन जो कम से कम 250 kg एक बार में वेट कर पाती हो, अच्छे कंडीशन में हो। आप किसी का भी सामान ले जाने से रिफ्यूज नहीं कर सकते हो विदाउट वैलिड रीजन। नेक्स्ट जॉब का पॉइंट है, पर्टिकुलर्स टू बी मेंशनड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, नेम, एड्रेस, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, डिस्क्रिप्शन, आपके जो भी वेट्स और कंसाइनमेंट है उसका डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। डेस्टिनेशन भी मेंशन होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कहाँ पे जाना है, फेयर, भाड़ा, सर्विस चार्ज आपने कितना किया है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन अगर कुछ है तो, सपोज करिए कोई पॉइजनिक चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं ना कि आपको इसको रिसीव करने के बाद हाथ धुलना है या पर्टिकुलर इस चीज़ से हाथ धुलना, ये सारी चीज़ें, कोई फ्लेमेबल चीज़ डिलीवर हो रही है, कोई भी हजार चीज बेसिकली डिलीवर की जाती है तो वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन किए गए होते हैं जो डिलीवर कर रहा है उसके लिए भी और जो कंसाइनमेंट को रिसीव कर रहा है उसके लिए भी। जो भी टर्म्स हैं पेमेंट्स के, ये भी मेंशन होनी चाहिए, क्या होते हैं कि अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस या कोई हैवी सामान डिलीवर हो रही तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सामान डिलीवर होगा या उससे पहले हम इतना पैसे देंगे, बाद में देंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट जो रूल है 104, प्लेस टू बी यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द गुड्स, तो कोई भी प्लेस आप लोडिंग और अनलोडिंग के लिए यूज कर सकते हो, बेसिकली आपको उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसका, और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी है उससे कंसल्ट करके आपको अप्रूवल दे सकती है। बेसिकली वहाँ पे ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे उसका सैनिटाइज कंडीशन होनी चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे स्पेस होनी चाहिए पार्किंग के लिए, तो जो भी हमारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है जब अप्रूवल के लिए जाती है तो ये सारी चीज़ें देखती है ऑलरेडी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली अगर आपको अप्रूवल मिलता है, इनमें से कुछ कमी भी है तो भी आप यूज कर सकते हो, इट्स डिपेंड। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, एनी अप्रूवल ऑफ सब रूल वन जो हमने अभी पढ़ा कि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसके अलावा भी वो चीज़ें, वो प्रीमाइसेस क्लीन होनी चाहिए, वो एडमिनिस्टर्ड इन एन ऑर्डर मैनर, वो एक ढंग से एडमिनिस्टर्ड होनी चाहिए, जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से वो होनी चाहिए,
प्रीमाइसेस शुड बी इजिली एक्सेसिबल, मतलब ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे एक्सेस उसका इजी हो, ऐसा नहीं कि कहीं आप ऐसी जगह लेके चले गए जहाँ पे पहुँचना ही आसान नहीं हो। और जो व्हीकल इंगेज होती है इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज में उनके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इफेक्टिव परमिट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना चाहिए, इंश्योरेंस का होना चाहिए और वो व्हीकल टैक्स जो भी है वो पे किया होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज ऑब्जर्वेंस ऑफ रेगुलेशन और कंडीशंस। तो यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस एंड कंडीशंस हैं, अगर आप पर्टिकुलर इस बिजनेस में इन्वॉल्व है तो यू हैव टू फॉलो दैट। ऑब्जर्वेंस मतलब यू हैव टू फॉलो, मतलब पालन करना है आपको। जैसे व्हीकल के कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड जो गाइडलाइन है यू हैव टू फॉलो दैट। आप किसी ऐसे व्हीकल को इस बिजनेस में नहीं लगा सकते जो पर्टिकुलरली हमारा ये जिसमें हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट या मेंटेनेंस व्हीकल की बात करते हैं उसमें जो रेगुलेशंस हैं वो रेगुलेशंस वो व्हीकल फॉलो नहीं करते। मतलब इन शॉर्ट आप कोई जुगाड़ गाड़ी बना के वहाँ पे नहीं लगा सकते हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है लिमिट और जो प्रोविजन या फिर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आपके मोटर व्हीकल पे कि आप इतना वेट नहीं लेके जा सकते हो, ये कैपेसिटी है, यू कैन नॉट ओवरटेक दैट। लोडिंग अब गुड्स या फिर ओवर हाइट, लेंथ, वाट एवर दैट, जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, जो भी आपके व्हीकल्स के लिए कंडीशंस मेंशन है आपके व्हीकल, वो सारी कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई गाइडलाइन है कोई डेंजरस या फिर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस कैरी करने के लिए तो वो गाइडलाइन आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द पार्किंग। वैसे तो पार्किंग से रिलेटेड जो भी लॉज हैं सारी व्हीकल्स को, किसी भी टाइप की व्हीकल हैं उन सबको फॉलो करना है, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशनड है क्योंकि जो व्हीकल इस बिजनेस में इन्वॉल्व है पर्टिकुलरली वो कोई गुड्स कैरी कर रही है, पैसेंजर कैरी कर रही है, कोई गुड्स कैरी व्हीकल है, हो सकता है कोई हैजार्डस गुड्स कैरी कर रही हो, तो कोई एक्सप्लोसिव गुड्स कैरी कर रही है, तो कोई ऐसी जगह पे आपको खड़ा नहीं करना है जहाँ पे क्रियोस क्रिएट हो या फिर एक्सप्लोशन हो जाए, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाए, या फिर इसमें लोडिंग अनलोडिंग की भी कंडीशंस आती हैं, तो आप ऐसे प्लेस का यूज नहीं करोगे जो आपके लिए अप्रूव नहीं हो। लोडिंग अनलोडिंग या फिर आपके व्हीकल की पार्किंग आप केवल वहीं पे करोगे जहाँ पे जिस प्रेमाइसिस का अप्रूवल है आपके पास, वहीं पे लोडिंग अनलोडिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो। डेफिनेटली व्हीकल को पार्क केवल वहीं पे कर सकते हो जहाँ पे आपको अलाउ किया गया है। आप अपने व्हीकल को किसी भी डेंजरस कंडीशन में नहीं छोड़ सकते। केवल आपके व्हीकल को वही ड्राइव करेगा जिसके पास इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस होगा उस कैटेगरी के व्हीकल को ड्राइव करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा रूल 3 है ये आपको सप्लाई करता है विटामिन एम, जो आप जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आपके दिमाग में भरा पड़ा रहता है मैक्सिमम लोगों को, मैं ही नहीं कह रहा हूँ सारे लोगों को। वेयर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है तो दे मे रिफ्यूज द अप्रूवल ऑफ प्रीमाइसेस, जो हमने सब रूल 1 में पढ़ा था कि आपको एक प्रीमाइसेस चाहिए जहाँ पे आप लोडिंग अनलोडिंग या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। अगर आप ऐसे बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, आपके पास एजेंट का लाइसेंस है, तो यहाँ पे हमारे अथॉरिटी के पास पावर होता है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं कोई भी कंडीशन, वो कह देंगे आपका ये कंडीशन सैनिटरी कंडीशन में नहीं है, क्लीन नहीं है, यहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ पे उतना जगह नहीं है, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, वट एवर दैट। तो मतलब इन शॉर्ट अगर आप विटामिन एम सप्लाई कर सकते हो, अगर आप एजेंट हो विटामिन एम दे सकते हो तो वेल एंड गुड, सारी कमी के बाद भी आपको अप्रूवल मिल जाएंगे। अगर आप विटामिन एम नहीं दे सकते तो अप्रूवल नहीं मिलेंगे, बट सबके लिए ऐसा नहीं है, चलता है सिस्टम में, वट एवर दैट। नेक्स्ट जो रूल है 105, सस्पेंशन और कैंसिलेशन से बात करते हैं। जो आपका एजेंट लाइसेंस उसको कब सस्पेंड किया जाएगा, कब उसको कैंसिल किया जाएगा, या फिर जो आपकी सिक्योरिटी मनी है किस कंडीशन में उसको जब्त कर लिया जाएगा, तो ये सारी बात की गई है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अगर लगता है किसी भी कंडीशन में तो आपके लाइसेंस को, जो भी एजेंट का लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे भी उनको रीजन राइटिंग में देना होगा और जितने टाइम के लिए वो सस्पेंशन चाहते हैं, कैंसिलेशन चाहते हैं, उतने टाइम के लिए वो कर सकते हैं। डेफिनेटली बिफोर द कैंसिलेशन या सस्पेंशन जो भी है या फिर आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त की जा रही है, उससे पहले आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप भी अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर करा सकते हो। नेक्स्ट जो सब रूल 3 है, अगेन सेम बात की गई है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अगर लगता है कि आपने किसी भी रूल का, जो रूल 4 है हमारा, 3 है, 100 है, 104 है, इसमें से किसी भी रूल या सब रूल का जो आपको फॉलो करना चाहिए आपने ब्रेक किया है, इसके प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट किया है, तो दे कैन पार्शली या फुल्ली आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त कर सकते हैं। डेफिनेटली जब ऐसा ऑर्डर दिया जाएगा तो आपको भी सुना जाएगा, आपको इंटीमेट किया जाएगा विद इन राइटिंग, और आपका जो ऑब्जेक्शन है उसको भी रजिस्टर करवाने का आपको मौका दिया जाएगा।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर सपोज करिए कि आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त की जाती है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि विद इन 30 डेज जितना जब्त की गई आपकी सिक्योरिटी मनी उसको फुलफिल करके, मतलब पेमेंट करके उसको ओरिजिनल कंडीशन में लानी है, और उस टाइम पे आपका जो लाइसेंस है दैट विल इन द सीज कंडीशन, मतलब आप वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते हो जिसके लिए लाइसेंस आपको इशू किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज इशू ऑफ डुप्लीकेट परमिट और लाइसेंस। तो एज सच ये पूरे यहाँ पे पूरे चैप्टर की बात हो रही है, पूरे चैप्टर केवल एजेंट लाइसेंस की बात नहीं हो रही है, एजेंट लाइसेंस की बात यहाँ पे सब रूल टू में की गई है। तो जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसके लिए आपको परमिट या लाइसेंस जो है, जो भी प्रोसीजर है, अगर आपका लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी हुआ, तो आप जो हमारी अथॉरिटी है उसके पास जो फॉर्म 70, रूल 70 में जो फॉर्म मेंशन है और जो फीस मेंशन है उसके साथ एप्लीकेशन दे सकते हो, आपको डुप्लीकेट उसका इशू कर दिया जाएगा। अब जो सेकेंड है, यहाँ पे एजेंट लाइसेंस की बात की गई, तो यहाँ पे भी सेम है, कोई भी प्रॉब्लम है आपका, खो गया, लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, पढ़ने लायक नहीं है, वॉट एवर दैट, तो यू कैन अप्लाई विद द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड फी टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू गेट द डुप्लीकेट ऑफ द एजेंट लाइसेंस और द परमिट ऑफ द व्हीकल और लाइसेंस ऑफ द व्हीकल, वॉट एवर दैट। नेक्स्ट जो सब रूल थ्री है, अगेन द सिमिलर थिंग्स इज मेंशनड हियर, जैसे कि हम पहले पढ़ते आए हैं कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन दिया है, अगर हमारे अथॉरिटी को लगता है कि नहीं यहाँ पे क्वेरीज की जरूरत है तो वो क्वेरीज कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं एप्लीकेशन ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, सब कुछ ठीक है, तो आपको एक डुप्लीकेट लाइसेंस या परमिट जिसका भी आपने एप्लीकेशन दिया है वो इशू कर दिया जाएगा, और वहाँ पे डुप्लीकेट मेंशन होगा इन द रीडिंग। अब आगे की बात आपको पता है क्या होगा, अगर आपका ओरिजिनल लाइसेंस मिलता है तो आपको इसको इमिडिएटली डुप्लीकेट लाइसेंस को जो भी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है उसके पास या लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास सबमिट करवाना होगा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो भी प्रोसीजर है हर जगह ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, यही फॉलो होता है। नेक्स्ट जो सब रूल फाइव है, एक और रीजन है आपके पास कि आपको डुप्लीकेट लाइसेंस इशू करना होगा, अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट का ऑफिसर, सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर कोई भी इंस्पेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट या कोई भी ऑफिसर को लगता है कि जो आपका लाइसेंस है वो अब टर्नड आउट हो गया है या फिर डिफेस्ड हो गया है, पढ़ा नहीं जा रहा है, खराब हो गया है, तो वो उसको सीज कर देंगे और वहां से वो एक राइटिंग ऑर्डर दे देंगे कि आपको डुप्लीकेट इसका इशू करवाना है, तो उस टाइम पे भी आपको डुप्लीकेट इशू कराना होता है। नेक्स्ट जो रूल है 107, यहाँ पे अपील की बात की गई है, जैसे कि सारे चैप्टर में अपील की बात की जाती है, तो अगर आपको कोई ग्रीवेंसेज हो, आप एग्रीव्ड हो, दुखी हो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर से, किसी भी अथॉरिटी के ऑर्डर से, तो आप अप्रोच किसको करोगे, यहाँ पे उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट बात की गई है टैक्सी मीटर की, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो भी फेयर होंगे, जो भी सर्विस चार्जेस होंगे, ये फिक्स किया जाता है हमारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के थ्रू। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे आपके थ्रू इनजस्टिस की जा रही है, आपके साथ जस्टिस नहीं है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को अप्लीकेशन दे सकते हो, पर्टिकुलरली इस केस में। तो स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट आपका मैटर सुनेगी, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट, ये सारे लोग आपके ग्रीवेंसेस सुनेंगे रिलेटेड टू द सर्विस चार्ज, रिलेटेड टू द लोडिंग अनलोडिंग फेयर या फिर कंसाइनमेंट चार्ज, ये जो बेसिकली चार्जेस से रिलेटेड चीजें हैं उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखना होता है और ये लोग आपके एप्लीकेशन को सुनते हैं। अब यहाँ पे सब रूल थ्री है, जहाँ पे अब हम दूसरे रूल की बात करते हैं, बेसिकली जो 100 जिसमें हमने लाइसेंस से रिलेटेड पढ़ा कि लाइसेंस अगर आपको इशू करवाना है तो एजेंट का लाइसेंस या फिर प्रीमाइसेस से रिलेटेड जो हमने रूल्स पढ़े, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप गवर्नमेंट के पास नहीं जाओगे, उस टाइम पे आप जाओगे स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बेसिकली ये वाला आप ना भी याद रखो तो चलेगा, बट ये टैक्सी मीटर वाला आप ध्यान रख लेना कि अगर कोई टैक्सी मीटर, पर्टिकुलर ये वर्ड ही यूज किया जाएगा अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई ग्रीवेंसेज है तो यू हैव टू मेड एप्लीकेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट अ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। और बाकी सारी चीजें जो लाइसेंसिंग या रिन्यू से रिलेटेड चीजें हैं उसमें कोई ग्रीवेंसेज है तो आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास जाओगे। अब जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो क्या क्या होना चाहिए, वो सेम चीजें यहाँ पे भी मेंशन है, मैनर ऑफ अपील एंड रिवीजन में। जैसे कि अगर आप को एप्लीकेशन देना है, ऑब्जेक्शन उठाना है, तो आपके पास एक रीजनेबल ऑब्जेक्शनेबल ग्राउंड होना चाहिए, और इस ग्राउंड के साथ जो भी ऑर्डर आया है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी के साथ आप जो भी एप्लेट अथॉरिटी है या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास जाना है उसके पास, या फिर आप टैक्सी मीटर की बात करते हो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप एप्लीकेशन दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, अगेन
आप इंटाइटल्ड होगे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए डिपार्टमेंट से, किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से चाहिए, आपका स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से चाहिए, जो भी ऑर्डर के डॉक्यूमेंट्स हैं या उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो यू आर इंटाइटल्ड टू गेट, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो सब रूल थ्री है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए अगर उसके लिए कुछ प्रेस्क्राइब्ड फी है कि ये फी आपको पे करनी होगी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए, तो यू हैव टू पे दैट फी फॉर दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट जो सब रूल फोर है, यहाँ पे अपील की बात की गई है कि कितने टाइम के अंदर आपको अपील करना होगा, तो डेफिनेटली दैट विल द 30 डे, मैक्सिमम जगह ये 30 डेज है बाय डिफॉल्ट, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी अपील की बात आती है तो वो विद इन 30 डेज ही होता है, जितना भी हमने पढ़ा है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस, जैसे यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि टैक्सी मीटर के केस में अगर सपोज करिए आपने ये डेट एक्सपायर कर गई, आपने विद इन 30 डेज एप्लीकेशन नहीं दिया, तो उसके बाद भी आपके एप्लीकेशन को कंसीडर किया जा सकता है अगर हमारे स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो सेक्रेटरी ऑफ होम्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उनको लगता है कि आपके पास एक सफिशियंट रीजन है कि आपने अप्लाई क्यों नहीं किया, तो आप उसके बाद भी आपको एप्लीकेशन कंसिडर किया जा सकता है। जो नेक्स्ट रूल है 109, वो बात करता है प्रोसीजर ऑफ अपील के या फिर रिवीजन के, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है अगर आपको अपील करना है अपीलेट अथॉरिटी के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो एज सच आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे प्रोसीजर वन बाई वन करके मेंशन है, बट नेवरदलेस मैं ब्रीफ आपको इसका बता देता हूँ। स्टेट जो ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अगर वो अपील हियर करता है अंडर द सेक्शन ऑफ 89, जो कि बेसिकली अपील की ही बात करता है कि अगर आपको मोटर व्हीकल एक्ट, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड किसी भी ऑर्डर से आप ग्रीवेंसेस है, आपको कोई किसी भी ऑर्डर से आप दुखी हो, ग्रीव्ड हो, तो आप अपील कर सकते हो जो हमारे पास ट्रिब्यूनल है, अपीलेट अथॉरिटी है उनके पास। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल से, एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल जो कि बेसिकली इंश्योरेंस चीजें सेटल कर डाउन करती हैं वो अलग हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर आपकी जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है या फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, आपके अगेंस्ट भी उसने कोई ऑर्डर दिया है, अगर आप उससे एग्रीव्ड हो, उसकी बात की जा रही है बेसिकली। जो हमारा सेक्शन 19 है जो रिविजन की बात करता है, तो अगर आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाते हो विद इन 14 डेज, यू हैव टू इंटीमेट द अपीलेट अथॉरिटी विद इन 14 डेज, का मतलब ऑर्डर जो आपके अगेंस्ट में ऑर्डर आया है उसके विद इन 14 डेज आप हमारी जो अथॉरिटी है उसको इंटीमेट करोगे। इंटीमेट कैसे करते हैं? बाय द एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन आप खुद भी लेके जा सकते हो, जो हमारा ट्रिब्यूनल है उसके साथ खुद भी प्रेजेंट हो सकते हो, या फिर आप किसी आदमी को एथराइज कर सकते हो जो आपको रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली यहाँ पे इसको लॉयर कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, आप किसी लॉयर को हायर कर सकते हो जो आपको रिप्रेजेंट करेगा अपीलेट अथॉरिटी के सामने। अगर अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि आपकी जो ऑब्जेक्शन है वो रीजनेबल है, तो वो इंक्वायरी बिठा सकते हैं, वो आपका एप्लीकेशन को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल है 110, दैट इज द इंटीमेशन ऑफ डैमेज और फेलियर टू द स्टेज कैरेज। आपके पास स्टेज कैरेज की परमिट है और अगर आप गाड़ी फेल हो जाती है टू परफॉर्म द ऑपरेशन, सपोज करिए किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाती है, तो आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है जिसने आपको परमिट इशू किया हुआ है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस दिया गया है, दोनों कंडीशंस को आपको ध्यान से समझना है, जो रूल वन है और रूल टू है, कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों सिमिलर है इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं सेपरेट करके बता देता हूँ। सपोज करिए आप फील करते हो कि आपके व्हीकल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है और आपकी व्हीकल एटलीस्ट 3 डेज से ज्यादा तक अनफिट रह सकती है टू परफॉर्म द ऑपरेशन, तो यू हैव टू इंटीमेट द अथॉरिटी विद इन 7 डेज। अगर ऐसी कोई कंडीशन है आपकी व्हीकल 3 दिन या उससे ज्यादा तक खराब रह सकती है, तो यू हैव टू इंटीमेट द अथॉरिटी विद इन 7 डेज। अगर आपकी व्हीकल ऐसी कंडीशन में है कि वो 24 आवर में मेंटेन हो जाएगी एंड दे आर रेडी टू परफॉर्म द ऑपरेशन, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द अथॉरिटी विद इन 12 आवर। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन ना कि आपकी व्हीकल कितनी खराब है, मेंटेनेंस में कितना टाइम लगेगा, अब ये एग्जैक्ट नहीं है, अराउंड टू अराउंड, इट्स डिपेंड अपॉन योर विजडम, आप अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट जो सब रूल थ्री है, ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, सब रूल थ्री में बात की गई कि इफ एनी अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी विल रिसीव एनी रिपोर्ट लाइक दैट कि कोई व्हीकल किसी रीजन बस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती है, तो वहां पे अकॉर्डिंग रूल 80 के हिसाब से दे कैन ऑर्डर टू रिप्लेस द व्हीकल। आपको पता है किसी भी परमिट को रिप्लेस किया जा सकता है सिमिलर आइडेंटिकल व्हीकल से, अगर ओनर चाहता है तो आप ये ध्यान रखना, किसी भी व्हीकल अगर कोई व्हीकल अनफिट होती है तो उसके परमिट को रिप्लेस किया जा सकता है बाय द अप्रूवल ऑफ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये जो ट्रांसफर का ड्यूरेशन है, ये जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है, उसमें 2 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दो चीज हो सकता है, आइदर यू मेंटेन योर व्हीकल टू इनिशियल कंडीशन ताकि वो अपना वर्क परफॉर्म कर पाए, या फिर आप अपने व्हीकल को रिप्लेस करवा लो। तो जो भी आपको करना है दैट शुड बी विद इन 2 मंथ्स, ये होने चाहिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, जो हमारी अथॉरिटी है, अगर आप आइडेंटिकल व्हीकल देने में नहीं दे पाते हो तो अथॉरिटी में सस्पेंड और कैंसिल योर परमिट कर सकते हैं, या फिर दे कैन वेरी द कंडीशन ऑफ परमिट। तो ऐसा चीज पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस ये याद रखना कि दे कैन रिप्लेस द व्हीकल। नेक्स्ट जो सब रूल 4 है, अगर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आपके परमिट को सस्पेंड करती है या फिर कैंसिल कर देती है, तो दे विल इन्फॉर्म द ओरिजिनल अथॉरिटी या फिर जिसका काउंटर साइन है वहां पे, उसको ये इन्फॉर्म करेंगे। ऑलरेडी इस टाइप की चीजें हमने पहले भी डिस्कस किया, तो ऐसे चीज भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट 111 है, रूल 111, स्टेज कैरेज टू प्ले द रूट अदर देन दोज स्पेसिफाई इन द परमिट अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो किसी भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, सपोज करिए आपकी स्टेज कैरेज की परमिट है अहमदाबाद टू पाटन लाइक दैट, तो आप किसी दूसरे रूट पे ऑपरेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द रूल, बट इन एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस जिसका राइटिंग में आप रीजन दोगे टू ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, अगर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को लगता है तो वो आपको परमिशन ग्रांट कर सकते हैं टू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर रूट और रीजन वॉट एवर दैट फॉर स्पेशल पर्पज ओनली। सपोज एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी जैसे कोरोना वायरस है तो बहुत सारे लोगों को कई कई जगह से इवैक्यूएट किया जाता है, जैसे कोटा से स्टूडेंट को इवैक्यूएट किया, कई राज्यों ने वहां से इवैक्यूएट किया, तो हो सकता है कि जो बसेज वहां पे गई हो कोटा, उनके पास वो परमिट नहीं हो, तो उनके लिए स्पेशल परमिट इशू किया जाता है। सपोज करिए कहीं पे फ्लड आ गया, किसी को इवैक्यूएट करना है, तो वहां पे कोई व्हीकल इन्वॉल्व है, या कोई सपोज करिए एनजीओ है वो वहां पे कोई व्हीकल लेने जाती है, तो इस टाइप के कॉज के लिए बेसिकली स्पेशल परमिट यूज इशू किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉज हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। जो हमारा रूल 112 है, मेंटेनेंस ऑफ द कंप्लेंट रूल, डेफिनेटली जो स्टेज कैरेज होती है जिसमें लोग ट्रेवल करते हैं पब्लिक सर्विस के लिए, जो व्हीकल्स होती हैं वहां पे एक कंप्लेंट बुक होनी चाहिए, और ये कंप्लेंट बुक सेल्फ डिजाइन नहीं होती है, डेफिनेटली वहां पे सील्ड होती है, शाइन होती है, स्टैम्प्स होते हैं हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के, और ये हमेशा स्टेज कैरेज के साथ में रहना चाहिए जहाँ पे पैसेंजर्स जो उसमें ट्रेवल कर रहा है वो अपना कंप्लेंट है रजिस्टर कर पाए। कभी भी जो ओनर है या ड्राइवर या कंडक्टर है वो डिनाई नहीं कर सकते टू प्रेजेंट द कंप्लेंट बुक, और जो कंप्लेंट बुक है वहां पे जो भी कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी वो फुल नेम और एड्रेस के साथ, डेट के साथ रजिस्टर की जाएगी जो भी आदमी रजिस्टर कर रहा है। तो ऐसा आप देख रहे हो, ये सारे जो पॉइंट्स है ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, एक तरह से जनरल प्रोसीजर बनाया गया है एक ऑपरेशन की, स्टेज कैरेज का ऑपरेशन कैसे होंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन उनको फुलफिल करना पड़ेगा, तो एक स्मूथ ऑपरेशन के लिए सारी चीजें बताया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो स्टेज कैरेज परमिट होल्डर है वो जितनी भी कंप्लेंट है सबको लुकआउट करेगा, उसका जो कॉज है, जो रूट है, क्यों ये कंप्लेन आई है, उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा रिमूव करने की, क्या किया है उसने, ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड करेगा, और जब भी हमारी अथॉरिटी डिमांड करती है ये उसके साथ प्रेजेंट करेंगे कि ये कंप्लेंट थी, इसको रिमूव करने के लिए हमने ये चीजें किया, ये सारी चीजें हैं। नेवरदलेस एज सच ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, आगे जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट आपके माइंड में एक ओवरव्यू होना चाहिए, आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए उससे रिलेटेड। सपोज करिए कोई क्वेश्चन या कुछ भी ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक के जो भी ऑफिसर्स हैं, अगर उसके इंस्पेक्शन के लिए वो डिमांड करते हैं तो यू हैव टू प्रेजेंट द कंप्लेंट बुक। जो रूल नंबर या सब रूल 5 है, अगर आपकी कंप्लेंट बुक खो जाती है, लॉस हो जाती है, तो किसी भी रीजन से, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कि क्या खोई, और दैट विल इन्फॉर्म इन द राइटिंग, ऐसे नहीं कि ओरल फोन करके आपने बता दिया, यू हैव टू इन्फॉर्म इन अ राइटिंग। नेक्स्ट जो सब रूल 6 है, जो भी कंप्लेंट बुक होंगी उसके लिए जो कंडीशंस टर्म एंड कंडीशन होंगी दैट विल डिफाइंड बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इन द ऑफिशियल गजट, कि क्या क्या चीजें वहां पे होनी चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, दैट विल डिफाइंड बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 113, सेफ कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट इन द पब्लिक सर्विस व्हीकल। सपोज करिए आप किसी पब्लिक सर्विस व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हो, आपका सामान छूट गया, तो उसके डिस्पोजल की भी एक प्रक्रिया है।
तो जो भी एथराइज आदमी है वो उस आर्टिकल को पर्टिकुलर जो कि छूटा है वहां पे 7 डेज तक अपने कस्टडी में रख सकता है। अगर कोई क्लेम करेगा तो उसको वो वेरीफाई करेगा, दे देगा, आगे वही सारी चीजें मेंशन है। और अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो वो जो नियरेस्ट स्टेशन है पुलिस स्टेशन है वहां पे ये डिपोजिट करवाएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, या और ऐसा नहीं है कि 7 डेज फिक्स है तो 7 डेज में ही कराएगा। अगर कोई ऐसी सामान है जो खराब हो सकती है विद इन 7 डेज तो उससे पहले भी डिपोजिट करवा सकता है पुलिस स्टेशन को। नेक्स्ट जो पॉइंट या सब रूल टू है, अगर उस पे क्लेम आता है किसी भी आर्टिकल पे किसी एक आदमी का क्लेम आता है तो जो भी यहाँ पे अथोराइज आदमी स्टेज परमिट का वो उसकी इंक्वायरी करना चाहता है, पूछताछ करना चाहता कर सकता है। अगर वो सेटिस्फाई है तो इसको हैंड ओवर कर सकता है। अब सपोज करिए कोई सामान है, कोई आर्टिकल है जिसपे एक से ज्यादा लोगों का क्लेम आया, तो इस केस में ये जो स्टेज कैरेज का आदमी है ये इस मैटर को हैंडल नहीं करेगा। दैट विल हैंड ओवर द मैटर टू द पुलिस ऑफिसर, ये नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ये लोग इंक्वायरी करेंगे और जो भी प्रोसीजर आगे है वो बताया गया है क्या करना है। बेसिकली यहाँ पे जो टेम्पररी जो सेक्शन 82 और 88 है बॉम्बे पुलिस एक्ट में, यहाँ पे बात की गई 82 में टेम्पररी एक्वायरमेंट की, जो पुलिस ऑफिसर है वो जो भी आर्टिकल है उसको एक्वायर कर लेगा। और 88 में जो भी लीगल प्रोसीजर है उसकी बात की गई है कि मजिस्ट्रेट के सामने उसको कैसे पेश करना है, क्या क्या इंक्वायरी उन्होंने किया उसके रिलेटेड वो सारी चीजें, कितने लोगों ने क्लेम किया है, किसके पक्ष में इंक्वायरी जाती है, ये सारी चीजें रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट विल डिसाइड कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, उसको हैंड ओवर किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है सब रूल 4 है, ये सारी चीजें जो हमने अभी तक डिस्कस किया है जो बॉम्बे पुलिस एक्ट है ये वो, ये सब चीजें वहां पे अप्लाई नहीं होंगी जहां पे एडुकेट अरेंजमेंट है टू सेफ कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉस्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम द व्हीकल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सपोज करिए गुजरात गवर्नमेंट का कोई अपना प्रोविजन है ऑलरेडी कि पर्टिकुलर अगर कोई चीज मिलती है तो उसको कैसे डिस्पोज करना है या कैसे हैंडलिंग करनी है उसकी, तो वहां पे ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होंगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 114, डिटर्मिनेशन ऑफ द पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक सर्विस व्हीकल। अब यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है पैसेंजर की किसी भी पब्लिक सर्विस व्हीकल पे, कितने लोग जाएंगे, ये अप्लाई होता है एक्सेप्ट देन द मोटर कैब को छोड़ के, बाकी सबकी सीटिंग कैपेसिटी कैसे डिसाइड होती है उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, वैसे तो एज सच कैपेसिटी के बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट डिवीजन फैक्टर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे दो लोड होते हैं, आपको पता है अनलेडन वेट होता है, ग्रॉस व्हीकल वेट होता है। अनलेडन वेट मतलब व्हीकल का वेट विदाउट एनी पेलोड, किसी पैसेंजर के बिना, किसी ड्राइवर के बिना या फिर किसी चीज के बिना, इंक्लूडिंग द फ्यूल, ये सारी जो एसेसरीज है उन सबको इंक्लूड करके जो वेट हम करते हैं उसे कहते हैं अनलेडन वेट। ठीक है, अनलेडन वेट के बाद उसका होता है ग्रॉस व्हीकल वेट, मतलब पेलोड आपने रख दिया है, पैसेंजर व्हीकल है तो आप जितने पैसेंजर कैपेसिटी वो लोग बैठ गए तो उसके बाद ग्रॉस व्हीकल वेट कितना होता है। इन्होंने कहा है कि जो ग्रॉस व्हीकल वेट है, ध्यान से सुनना आप, ग्रॉस व्हीकल वेट माइनस लेडन वेट जो भी है, सॉरी अनलेडन वेट, तो अनलेडन वेट और ग्रॉस व्हीकल वेट को माइनस करोगे जितना आता है उसमें से 19 आप सब्सट्रैक करोगे। मान लीजिए ये आ गया 500 kg, तो 500 kg आ गया तो 500 kg में से हम 19 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 410। अब ये 410 के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो व्हीकल कितना पैसेंजर कैरी करेगी। अब आगे दो डिवीजन फैक्टर दिया गया, यहाँ पे बताया गया ना आपको डिवाइडिंग रिजल्टिंग फिगर, तो हमारा रिजल्ट कितना आया है, रिजल्ट आया है 410 एक एग्जाम्पल के लिए। तो अगर वो डबल डेकर है तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 410 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, जितनी वैल्यू आएगी उस व्हीकल की उतनी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी होगी, पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी ये डिसाइड किया गया है। अब आप अपनी मर्जी से यहाँ पे दिमाग नहीं लगाओगे कि बच्चा होगा तो उसका वेट तो 7 kg होगा नहीं, तो कोई 1 क्विंटल का भी हो सकता है, ऑन एन एवरेज एक डिवाइडिंग फैक्टर डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर ये सिंगल कैरिज व्हीकल है तो ये 70 से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डिवाइडिंग फैक्टर यू हैव टू रिमेंबर दिस कि अगर डबल डेक्ड है तो 60 से, अगर सिंगल डेक है तो ये 70 से डिवाइड किया जाएगा। ये डिवाइडिंग फैक्टर है टू डिसाइड द पैसेंजर, और पैसेंजर की जो वेट कैपेसिटी वो कैसे डिसाइड करते हैं, पहले हम ग्रॉस व्हीकल वेट को लेडन वेट से माइनस कर, अनलेडन वेट से माइनस करते हैं, फिर उसमें से 90 माइनस करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज। ठीक है,
ऐसा नहीं कि जितना पैसेंजर बिठा सकते हो उतना बिठा दो, हम तो ओवर बिठाते हैं, दैट इज अगेंस्ट द रूल डेफिनेटली। हम तो जितना सीटिंग कैपेसिटी उससे ज्यादा को बिठाते हैं, बट दैट इज अगेंस्ट द रूल। बट सीटिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है, डेफिनेटली सीटिंग कैपेसिटी ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है, कितनी व्हीकल में आपके सीट प्रोवाइड की गई होती है वो ऑलरेडी होती है, उतने लोगों को भी बैठाना होता है, बट नेवर द लेस ये प्रोसीजर होता है जो आपको जानना चाहिए, पूछा जा सकता है, डिवाइडिंग फैक्टर बेसिकली आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है 115, कंडक्ट ऑफ द पर्सन यूजिंग स्टेज कैरेज। ये पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है वन बाय वन करके, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो चीजें आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पे सिंपल इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप पैसेंजर हो, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको क्या चीजें परफॉर्म नहीं करनी है, या फिर क्या चीजें आप करोगे तो आपको अबॉर्ट किया जाएगा, या फिर जो कंडक्टर है या ड्राइवर है उसके द्वारा आपको रोका जाएगा, या फिर व्हीकल से हटा दिया जाएगा, आप व्हीकल से आप नहीं उतरते हो तो व्हीकल को रोक दिया जाएगा, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे लोगों को अनकन्वीनियंस क्रिएट हो, किसी आदमी को क्रिएट हो, या फिर स्टेज कैरेज के जो ड्राइवर हैं या स्टाफ मेंबर हैं उनके उनसे क्रिएट हो, या कुछ भी ऐसा नहीं करना। तो वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, जैसे आप बहुत ज्यादा बल्कि सामान लेके नहीं जा सकते जिससे किसी दूसरे को, सपोज करिए सीटिंग की कैपेसिटी है एक और आप तीन सीट के रखने के लिए सामान लेके चले गए, तो ये वहाँ पे अलाउ नहीं है। आप एनिमल, बर्ड, फिश ये सब चीज लेके नहीं जा सकते, या फिर कुछ ऐसा भी आप लेके नहीं जा सकते जिससे लोग ऑफेंसिव हो जाएं, किसी को इनकन्वीनियंस क्रिएट होता है। इसी तरीके से आगे सारी चीजें मेंशन है, कोई भी सीट जो आप किसी पर्टिकुलर के लिए फिक्स है आप उसको एक्वायर नहीं करोगे, आप वहां पे गाना बजाना शुरू नहीं कर दोगे, मोबाइल नहीं चलाओगे तेज लाउड स्पीकर पे, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। तो ये सारी चीजें वन बाय वन करके यहाँ पे मेंशन है। आप कोई ऐसा ड्रेस नहीं करके जाओगे जिससे कि वहाँ पे जो सीट है वो डैमेज हो जाए, आपके साथ में जो बैठा उसको कोई परेशानी हो जाए। जैसे इन शॉर्ट अगर इसको आप समझना चाहो तो बहुत सारे लोग ड्रामा वामा जो करते हैं उनके ड्रेस में आप देखोगे कि पिंस लगी होती हैं, कहीं पे नाइफ लगा हुआ है, कहीं पे तलवार लेके जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा ड्रेस करके आप स्टेज कैरेज व्हीकल में अलाउ नहीं हो ट्रेवल करने के लिए, आपको वहां पे उतारा जा सकता है। तो ये सारी चीजें मेंशन है जो आपको नहीं करना है वन बाई वन करके। तो एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है सारे की ये जो ऑफेंसेज है एक तरह से ये ऑफेंसेज है, इसके लिए आपको हटाया जा सकता है, नहीं मानोगे तो अरेस्ट किया जा सकता है, ये सारी चीजें मेंशन है। अगेन द सेम थिंग कि जो भी हमारे पास प्रोविजंस हैं, रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ करते हो तो जो ड्राइवर या कंडक्टर है वो आपको व्हीकल बोर्ड करने से रोक सकते हैं, अगर आप नहीं मानते हो तो जब तक वो व्हीकल को रोके रहेंगे स्टेशनरी रख सकते हैं जब तक आप उतर नहीं जाते, और ऐसी कुछ एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, अगर आपने टिकट भी लिया है तो यू कैन नॉट क्लेम द रिफंड कि ठीक है आपने टिकट ले लिया और बीच में आपने लाउड म्यूजिक शुरू कर दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, किसी के साथ बिहेव अच्छा से नहीं किया, किसी को मोलेस्टेड कर दिया, तो ऐसे करने के बाद अगर आपको उतारा जाता है तो यू कैन नॉट क्लेम द रिफंड। जो सब रूल टू है अगेन द सिमिलर थिंग इज मेंशन हियर कि आपको क्या क्या परफॉर्म नहीं करना है। तो अगर आप स्टेज कैरेज का यूज कर रहे हो तो यू कैन नॉट रिफ्यूज टू पे द लीगल फेयर, जो भी लीगल फेयर है आप मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं दूंगा। अगर आपसे टिकट मांगा जाता है तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं टिकट शो नहीं करूंगा। सपोज करिए आपने अपना टिकट फाड़ के फेंक दिया है, कुछ भी कर दिया, तो आपको फ्रेश टिकट लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप नहीं लोगे, आप बिहेव करोगे प्रॉपर मैनर में, ये सारी चीजें मेंशन है। आप किसी के साथ एब्यूज नहीं करोगे, किसी को मोलेस्टेट नहीं करोगे, स्पिट इजेक्ट ये सारी चीजें, आप स्मोकिंग नहीं करोगे। तो अगेन द सिमिलर थिंग इज मेंशन, ऐसा कुछ नहीं है जो आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ये जस्ट अ ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे भी वो सारी एक्टिविटीज मेंशन है जो आपको करनी है नहीं करनी है, तो यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी मेंशन इन द रूल। अगेन द सिमिलर कंडीशंस आप मेंशन कि आपको क्या क्या नहीं करना है, तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द थिंग्स, आपको ओवरव्यू से इसका याद रखना है कि आपको पढ़ के लग रहा है कि ये कुछ इनलीगल एक्टिविटीज टाइप की है तो ये सब चीजें आपको परफॉर्म नहीं करनी है। और इन बिटवीन द जर्नी अगर किसी कंडक्टर, ड्राइवर या पुलिस वाले को आपके ऊपर कोई डाउट होता है तो अगर वो आपका नाम, एड्रेस या कुछ भी ऐसा पूछते हैं तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि आप नहीं दोगे।
जो भी फेयर लीगल फेयर है यू हैव टू पेड। अगर आपने जो डेस्टिनेशन है उससे ज़्यादा ट्रेवल किया है तो जो भी लीगल फेयर बनता है यू हैव टू पेड। आप एक से ज़्यादा सीट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को बस आपको एक ओवरव्यू की तरह याद रखना है। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दिया, जरूरत नहीं थी मेंशन करने की। मैं सोच रहा था इसको लिख दूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नेवरदलेस थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें दे दिया हूँ। बट देने का मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सब रूल 5 है, अगेन द सिमिलर थिंग, कोई भी आदमी जो लीगल फेयर अभी पे नहीं किया है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा टू लीव द स्टेज करें, डेफिनेटली यू हैव टू पे द लीगल फेयर। नेक्स्ट जो रूल 6 है, एनी पर्सन हु कॉन्ट्राडिक्ट द प्रोविजंस और रूल्स जो भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं उसको स्टेज कैरेज से उतारा जा सकता है। कंडक्टर और ड्राइवर हैज अथॉरिटी टू रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द स्टेज कैरेज। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पर्सन अगेंस्ट द सिमिलर थिंग्स, पहले भी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई पर्सन है, कोई पैसेंजर है जिसपे रिजनेबल सस्पेक्टेड है, डाउट है ड्राइवर को कंडक्टर को, तो दे में आस्क आपका नाम और एड्रेस पूछा जा सकता है। तो आपको नाम और एड्रेस देना होगा और सही देना होगा, ऐसा नहीं कि गलत नाम और एड्रेस दे के आप निकल लिए। नेक्स्ट जो रूल 116 है, कंडक्टर द पैसेंजर यूजिंग मोटर कैब एंड मैक्सी कैब। तो मोटर कैब मैक्सी कैब के पैसेंजर को क्या करना है उसकी बात की गई है यहाँ पे, क्या नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, विलिंगली और अनविलिंगली जाने और अनजाने में जो मोटर कैब है या फिर जो मैक्सी कैब है उसकी जो फिटिंग है, अरेंजमेंट है, उसको आप डिस्ट्रॉय डैमेज नहीं करोगे। ऐसी केस बहुत बार आपको देखने को मिली होगी कि लोग बैठे बैठे पेन सीट में लगा देते हैं, ब्लेड लगा देते हैं, तो ये सब एक तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ है, ये ऑफेंसेज हैं। अब आप पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ऑफेंसेज हैं, इससे पहले तो आप करके लड़ जाते थे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, आप लीगल फेयर देने से रिफ्यूज नहीं कर सकते। बहुत बार इस सब केस में जो छोटी व्हीकल्स होती हैं वहाँ पे लोगों से लड़ाई हो जाती है, बहुत बार लोग आर्ग्यू करते हैं नहीं यहाँ का फेयर इतना है, वो उतना मांग रहा है, तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। यू हैव टू पे द लीगल फेयर। अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, सपोज पैसेंजर के बीच में और ड्राइवर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो इस डिस्प्यूट के लिए दे हैव टू रिपोर्ट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन वाले इसका रिजॉल्व करेंगे, जो भी है नेम एड्रेस ये सब चीज़ें जो भी प्रॉब्लम उसको रिकॉर्ड करके इसको रिजॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट जो रूल है 117, कैरीज ऑफ द पर्सनल लगेज इन द प्राइवेट सर्विस व्हीकल, तो यू कैन नॉट कैरी मोर देन 25 kg एज पर पर्सन। यू कैन कैरी प्रोवाइडेड दैट यू कैन कैरी एडिशनल लगेज, लाइक अ पर्सनल लगेज आपका कुछ है, हाउस होल्ड की कुछ चीज़ें हैं, तो यू कैन कैरी, बट दैट शुड नॉट बी एक्सीड द परमिशिबल लिमिट ऑफ द व्हीकल कैपेसिटी। जो भी व्हीकल की कैपेसिटी है कि इतना टोटल वेट व्हीकल इतना कैरी कर सकते हैं, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो सब रूल 2 है, इसमें बताया गया है कि जो आपको एडिशनल परमिशन यहाँ पे मिल रही है कि यू कैन कैरी द एडिशनल लगेज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने व्हीकल को मर्चेंडाइज कर दो और फिर उसमें सामान ढोने का काम चालू कर दो। दैट्स नॉट, इसका कंक्लूजन ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि आप उसको मर्चेंडाइज तरीके से यूज करना शुरू कर दो। नेक्स्ट जो रूल 118 है, दैट इज टॉकिंग अबाउट द कैरेज ऑफ पैसेंजर लगेज इन ए स्टेज कैरेज। सपोज करिए आप पैसेंजर हो, ट्रेवल कर रहे हो बस में, तो आप जो सामान कैरी कर रहे हो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रूल्स हैं। तो आप अपने सामान को ऐसी जगह पे कैरी नहीं कर सकते जो व्हीकल के एंट्रेंस को या फिर एग्जिट को ब्लॉक करता हो। जो भी उसके लिए प्रोवाइडेड जगह है, जो भी लॉकर्स दिए गए हैं, जो भी कंपार्टमेंट्स हैं व्हीकल के, वहीं पे सामान कैरी करना है। अगर आप व्हीकल के रूप पे सामान कैरी कर रहे हो तो देयर शुड बी अ एडिक्वेट अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट द लगेज, ये होना चाहिए। जैसे आपने देखे होंगे कि ऊपर से रेलिंग्स लगाई जाती हैं टू प्रोटेक्ट द लगेज और उसको बांधा जाता है, तो ये सारे प्रिकॉशंस वहाँ पे होने चाहिए। तो ऐसा चाहिए, सारी कंडीशंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो सब रूल 3 है, यहाँ पे स्टेज कैरेज की बात की गई है जो कि रन करती हैं विद इन द एरिया ऑफ द म्यूनिसिपल। तो यहाँ पे यू हैव टू अलाउ द 25 kg फ्री, इसके बाद अगर आप ले जाते हो तो उसका सेपरेट लगेज चार्ज लिया जाएगा। नेक्स्ट जो रूल है 119, कैरीज ऑफ द चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट इन द पब्लिक सर्विस व्हीकल। तो जो इसका फर्स्ट सब रूल है, इन रिलेशन टू नंबर ऑफ द पैसेंजर दैट मे बी कैरीड इन द पब्लिक सर्विस व्हीकल। जैसे कि पहले हमने बात किया था कितने पैसेंजर अलाउ किए जाएंगे पब्लिक सर्विस व्हीकल में कैरी करने के लिए, तो यहाँ पे कैसे काउंटिंग होगी उसके बारे में मेंशन किया गया है। अगर कोई बच्चा है जिसकी एज 12 ईयर से कम है, नॉट मोर देन द 12 ईयर, तो उसको काउंट किया जाएगा 1/2, ठीक है, वो 1/2 में काउंट होगा। और कोई बच्चे की एज अगर 5 ईयर से कम है तो वो पैसेंजर में काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है,
एनीथिंग कंटेंट इन द सब रूल वन, जो हमने यहाँ पे सब रूल वन में बात किया, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा इन द केस ऑफ द स्कूल व्हीकल्स। स्कूल्स व्हीकल में इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। स्कूल्स व्हीकल के लिए यहाँ पे एडिशनल कंडीशन मैंशन की गई हैं, उनके लिए सेपरेट कंडीशन है, दे हैव टू फॉलो। फर्स्ट है, एडिशनल सीटिंग अरेंजमेंट बनाया जाएगा वहाँ पे, स्कूल कैरिज व्हीकल में एडिशनल सीटिंग अरेंजमेंट होंगे। जो सीटिंग क्वेश्चन होगा, दैट शुड बी ऑन प्लेन सर्फेस, नॉट ऑन कर्व सर्फेस। तो ऑल दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सीटिंग कैसे लगाया जाए, एडिशनल अरेंजमेंट किया जाए, दीज आर द नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो सब रूल थ्री है, राइट साइड की जो ओपनिंग होगी दैट शुड बी परमानेंटली सील्ड। तो यहाँ पे जो कंडीशन है इन जनरल, बस आप माइंड में रखना, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ इसको। जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे डोर की ओपनिंग होगी। जो व्हीकल है दैट शुड बी फिटेड विद द बल्ब हॉर्न। बल्ब हॉर्न एक आप अरेंजमेंट देखे होंगे, पहले आइसक्रीम वाले बेसिकली यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं कभी कभी, ये इस तरीके का एक प्लास्टिक इस तरीके बल्ब जैसे लगा होता है और यहाँ पे हॉर्न की ओपनिंग होती है, जब आप इसको पुश करते हो तो आवाज आती है, तो इसे हम कहते हैं बल्ब हॉर्न। ये भी व्हीकल में फिटेड होनी चाहिए। और व्हीकल का जो बैकग्राउंड कलर है दैट शुड बी येलो बैकग्राउंड कलर, और वहाँ पे स्कूल ऑटो स्क्रिप्ट होना चाहिए, मतलब स्कूल ऑटो वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कोई ऑडियो डिवाइस वहाँ पे नहीं लगा होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, व्हीकल 25 किमी पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। रिमेंबर दिस कि ये हम ऑटो की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सब रूल 9 है, तो जो हमारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो जितने चिल्ड्रेंस को परमिट करेगी व्हीकल, उतने ही चिल्ड्रेन को कैरी करनी चाहिए, उससे ज़्यादा कैरी नहीं करनी चाहिए, जितने की सीटिंग अरेंजमेंट है, जितने प्रोवाइडेड हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट सब रूल 3, अगेन द मेंशन द सेम थिंग, जो हमारा रूल 120 है, कैरी ऑफ द गुड्स इन द पब्लिक सर्विस व्हीकल, तो नो गुड्स शैल बी कैरीड ऑन द टॉप डेक ऑफ डबल डेक स्टेज कैरेज। अगेन द सिमिलर थिंग्स आर मेंशन, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, एक बार आप पढ़ लोगे तो यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स। नो गुड्स आर लाइबल टू फॉल द इंटीरियर, कोई ऐसे सामान आप कैरी नहीं कर सकते जो कि इंटीरियर को गंदा कर दे या फिर उसको इनसैनिटरी कंडीशन में ले आए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, अगर किसी गुड्स को आपके परमिट में बैन किया हुआ है तो यू कैन नॉट कैरी दैट गुड्स इन स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कंसीडर। नेक्स्ट जो सब रूल 4 है, आपके व्हीकल की जो कंडीशंस हैं परमिट की, यू हैव टू कैरी द गुड्स अकॉर्डिंग टू द परमिशन यू हैव। नेक्स्ट जो पॉइंट है 5, गुड्स आर कैरीड इन द स्टेज कैरेज इन एडिशन ऑफ द पैसेंजर। सपोज पैसेंजर की जगह पे आप गुड्स कैरीज कर रहे हो, ठीक है, तो यू हैव टू इंश्योर डेट वो जो लगेज है, जो सामान है, जो गुड्स है, दैट शुड बी वेल पैक्ड, सिक्योर हो और उसके वजह से कोई डेंजर क्रिएट ना हो या किसी को इनकन्वीनियंस ना हो किसी और पैसेंजर को। जो सब रूल 6, 7, 8 है, एज सच बहुत ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें इस पर मैंशन थी तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर दिया, फालतू का टाइम वेस्ट होता। वैसे तो ये सारी चीज़ें अभी भी जो हमने रूल नंबर 4, 5, 6 जो भी पढ़ रहे हैं, ये एज सच आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही जनरल और कॉमन चीज़ें यहाँ पे मैंशन है। नेक्स्ट जो रूल 121 है, और ये आज के टाइम पे बहुत ही रिजनेबल है, कैरीज अ पर्सन दैट इज सफरिंग फ्रॉम द एनी कंटेजियस डिजीज, कोई ऐसा आदमी जिसके पास कोई संक्रामक बीमारी है तो उसके ट्रेवल करने के रिलेटेड यहाँ पे गाइडलाइंस हैं। अभी हम चूंकि COVID-19 के एरा में जी रहे हैं, कोरोना फैला हुआ है, तो आप खुद भी सोच के देखो कि किसी व्हीकल में ऐसा आदमी कोई ट्रेवल कर रहा है जिसको कोरोना है, हमें से कोई ट्रेवल नहीं करना चाहेगा, इवन दो उस व्हीकल के दूर दूर नहीं भटकना चाहेगा, तो ऐसे के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट इसका सब रूल है, जो ड्राइवर या कंडक्टर है अगर उसके नॉलेज में है तो किसी भी ऐसे आदमी को व्हीकल को बोर्ड करने से रोकेंगे, व्हीकल में ट्रेवल करें नहीं करने देंगे या फिर नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं कि उनके रिलेटिव हैं तो जानते हुए भी वो लेके जा रहे व्हीकल में। जो इसका सेकेंड सब रूल है कि जो सब रूल 1 हमने अभी पढ़ा है वो अप्लीकेबल नहीं होता है अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर अलाउ कर देता है किसी भी ऐसे पर्सन को जो सफर करता है ऐसे बीमारी से, इन्फेक्शन से, कि वो ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट जो सब रूल 3 है, अगर ऐसा कोई आदमी आपके व्हीकल में ट्रेवल कर रहा है तो आपको कुछ लोगों को रिपोर्ट करना होता है, ड्राइवर और कंडक्टर को रिपोर्ट करना होता है, जो व्हीकल का ओनर है उसको रिपोर्ट करेंगे, मेडिकल ऑफिसर है उसको रिपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरी है जिसको भी वो रिपोर्ट कर सकते हैं उनको रिपोर्ट करना होता है। दूसरी चीज कि जो ओनर है और ड्राइवर है तब तक किसी आदमी को अलाउ नहीं करेंगे उस व्हीकल में ट्रेवल करना जब तक इस व्हीकल को डिसइंफेक्ट नहीं कर देते हैं। नेक्स्ट जो सब रूल 4 है, आपके व्हीकल को जो डिसइंफेक्ट करने वाला पाउडर है उसकी उसको मेंशन किया गया है, यू हैव टू डिसइंफेक्ट द व्हीकल बाय DTC। DTC मतलब होता है डाई क्लोरो डाई फेनिल
टेट्राक्लोरोइथिल, ठीक है। तो ऐसा आपको इसका फुल फॉर्म याद नहीं रखना है, बस डीडीटी, डीटीसी पाउडर, आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, तो इससे डिसइनफेक्ट करना है, या फिर जो डॉक्टर या मेडिकल ऑफिसर्स के सजेशंस होंगे उससे डिसइनफेक्ट करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसका इंस्पेक्शन भी किया जाएगा कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को ट्रेवल कराए हो तो आप अपने व्हीकल को डिसइनफेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और इसको आपको मेंटेन भी करना होता है रजिस्टर में। तो जो भी हमारे सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस डिपार्टमेंट के या उससे ऊपर के अधिकारी या फिर मोटर व्हीकल के सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के ऑफिसर्स इसको डिमांड कर सकते हैं, इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि आप टाइम टू टाइम अपने व्हीकल को डिसइनफेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट जो रूल है दैट इज 122, कैरीज ऑफ द पर्सन इन गुड्स कैरेज। आपको पता है गुड्स कैरेज में आदमियों को आप कैरी नहीं कर सकते हो, दैट इज अगेंस्ट द रूल, बट डेफिनेटली ड्राइवर भी कौन है, आदमी है, कंडक्टर भी आदमी है, जो अटेंडेंट है वो भी आदमी है, तो कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं कि कितने लोगों को आप ट्रेवल करा सकते हो गुड्स कैरेज में या कितने लोग होने चाहिए। तो पहला ही पॉइंट है, सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ दिस रूल नो पर्सन शैल कैरीड इन द गुड्स कैरेज, किसी को ट्रेवल करने की इजाजत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रोवाइडेड एक्सेप्ट देन, जो ओनर है या जिसने व्हीकल को हायर किया, सपोज मैंने व्हीकल को हायर किया कोई सामान ले जाने के लिए, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, या कोई बोनाफाइड एम्प्लॉयर है जो वहाँ पे काम करता है, जैसे अटेंडेंट हो, ड्राइवर हो या फिर कंडक्टर हो, ऐसे कोई लोग हैं, या फिर पुलिस ऑफिसर हैं जो कि यूनिफॉर्म में हो, अपने ड्यूटी पे जा रहे हो, तो ऐसे लोग गुड्स कैरेज में ट्रेवल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन प्रोवाइडेड दैट कुछ चीज़ें मेंशन है जो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इसको मैं 5 स्टार देता हूँ, मे बी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, हालांकि इस पर मैं क्वेश्चन नहीं बना पाया हूँ, आपको लास्ट में थोड़ा सा कम क्वेश्चन मिलेंगे, कम क्या 2-3-4 क्वेश्चन ही मिलेंगे, आई थिंक काफ़ी लंबा चैप्टर था तो क्वेश्चन मैं नहीं बना पाया, बट नेवर द लेस अब चूंकि खत्म होने वाला है ये पूरा एक्ट एंड रूल तो हम क्वेश्चन करते रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस मेंशन की गई हैं कि कौन से व्हीकल में कितने लोग अलाउ हैं। तो फर्स्ट जो व्हीकल है, अगर उसका ग्रॉस व्हीकल वेट 900 केजी से कम है तो उसमें केवल एक आदमी अलाउ है, एंड वो है ड्राइवर, ठीक है। ऑब्वियसली ड्राइवर ही अलाउ रहेगा जो व्हीकल को ड्राइव करेगा, जब एक ही आदमी अलाउ है तो बाय डिफॉल्ट ड्राइवर होगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, 3 पर्सन शुड बी अलाउ इन द लाइट मोटर व्हीकल। तो लाइट मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको देखना ना पड़े, जो ग्रॉस व्हीकल वेट होता है दैट शुड नॉट एक्सीड द 7500 केजी, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर ये ग्रॉस व्हीकल वेट की बात कर रहे हैं दैट्स मीन्स कि उसमें कोई ट्रेलर नहीं लगा हुआ है। अगर ट्रैक्टर रोड रोलर की बात करेंगे तो अनलेडन वेट की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई पे लोड नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे व्हीकल्स में हम अनलेडन की बात करते हैं, और जिसमें पे लोड हम रखते हैं उसे हम बात करते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट का। और वहाँ पे भी अनलेडन वेट की अलग से कंडीशंस है, वो सारी चीज़ें मैंने बताया है कि जैसे ट्रैक्टर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे एसेसरीज लगती हैं, तो अनलेडन वेट वहाँ पे हैवी एसेसरीज के साथ हम कैलकुलेट करते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। 5 पर्सन अलाउ होंगे मीडियम गुड्स व्हीकल के साथ, मीडियम गुड्स व्हीकल। ये चीज़ें आपके GMBR में मेंशन नहीं है, ये मैंने मेंशन किया हुआ अपने मर्जी से ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कि जो मीडियम गुड्स व्हीकल्स होती हैं वो किसे कहते हैं, किसे हम मीडियम गुड्स व्हीकल की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे मेंशन है, इन बिटवीन द लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी गुड्स व्हीकल, तो इन दोनों के बीच में जो होते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ जो उनके बीच का वो लोड है वो मैंने लिख दिया है। 7 पर्सन हो सकते हैं इन द केस ऑफ द हैवी गुड्स व्हीकल, तो हैवी गुड्स व्हीकल वेट एक्सीड 1200 किलोग्राम, इससे ज़्यादा का वेट है तो उसे हम हैवी गुड्स व्हीकल में रखते हैं, और वो व्हीकल 7 आदमी वहाँ पे अलाउ है टू कैरी। नेक्स्ट जो सब रूल 2 है, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है दे कैन अलाउ कि आप कैरी कर सकते हो जितना परमिसिबल पर्सन हैं उससे ज़्यादा कैरी कर सकते हो किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से। सपोज करिए आपकी व्हीकल किसी वर्क प्लेस पे इन्वॉल्व है, किसी काम में वहाँ पे कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ वर्कर्स हैं, तो किसी दूसरे वर्क प्लेस पे ले जाने के लिए यू कैन यूज द कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या द स्ट्रेच कैरेज, वहाँ पे आप लेके जा सकते हो, बट दैट शुड बी बाय द अप्रूवल ऑफ द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। जो सब रूल 3 है, यहाँ पे भी कहा गया है कि किसी स्पेशल पर्पज के वजह से हम परमिशन देते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे कुछ पर्पज मेंशन है जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ऐसे में आप उस व्हीकल को यूज कर सकते हो बाय परमिशन ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी और द क्लासेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में यूज करना है आपको, तो वहाँ पे आप कोई ऐसा हायरिंग करता है तो वहाँ पे यूज किया जा सकता है इसका। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर के द्वारा किसी भी परमिट गुड्स कैरी व्हीकल को एज ए स्टेज कैरेज व्हीकल का परमिशन दे सकती है, तो वहाँ पे ये यूज किए जा सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन है, सच
ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो सब रूल फोर है, अगेन सम कंडीशन इज हियर, नो पर्सन शैल बी कैरीड इन एनी गुड्स कैरेज अनलेस द एरिया नॉट लेस देन द 0.37 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया एटलीस्ट इतना होना चाहिए तो ही आपकी जो गुड्स कैरेज है वहाँ पे आप आदमी को कैरी कर सकते हो, मतलब लोगों को लेके जा सकते हो। इसका जो सब रूल वन है, किसी ऐसे जगह पे आदमी नहीं बैठा होना चाहिए जहाँ पे गिरने का डर हो, बेसिकली वहाँ से वो गिर जाए। या फिर जो सब रूल टू है, एज सच ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सिटिंग पोजिशन होनी चाहिए आदमी की, वो 3 मीटर एवं नहीं होना चाहिए जो फ्लोर है आपके व्हीकल का उससे। जो नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट रूल फाइव है, यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है जो एक्सेल होते हैं, जो कैरेज होते हैं, स्टेज कैरेज जिसमें ट्रेलर्स लगे होते हैं, तो ट्रेलर्स के कंडीशन में मेंशन किया गया है कि नॉट मोर देन द 4 पर्सन ऑन द सिंगल एक्सेल ट्रेलर। अगर सिंगल एक्सेल ट्रेलर है तो उसमें 4 आदमी से ज़्यादा कैरी नहीं होना चाहिए, और 6 पर्सन इन द ट्रेलर हैविंग मोर देन द 1 एक्सेल। तो 1 एक्सेल एक्सेल आप समझ रहे होगे ना, जो बेसिकली सपोर्ट होता है जिसमें व्हील्स लगी होती हैं। तो आपने देखे होंगे कि पहले जब हम एक्सेल्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था बेसिकली कि सेमी एक्सेल्स क्या होते हैं, फुल एक्सेल्स, इस टाइप की चीजें हमने डिस्कस किया था। तो उसकी बात करें, अगर सिंगल एक्सेल है तो 4 आदमी से ज्यादा नहीं, और 1 से ज्यादा है तो 6 पर्सन। नेक्स्ट जो सब रूल है, अगर आप जो ट्रेलर है उसको यूज कर रहे हो टू कैरी द पैसेंजर, तो वहां पे आपको चारों तरफ जो वॉल है 610 मिलीमीटर की हाइट पे एक आप समझ लो बैरिकेटिंग तरह का लगाया गया होता है। तो आपने देखा भी होगा ट्रेलर में चारों वॉल की तरफ हाइट में कुछ बैरिकेटिंग लगाई होती है ताकि कोई यहाँ से गिरे ना। तो एकदम प्लेन फ्लोर है तो उस पर आप किसी को कैरी नहीं कर सकते हो, और कोई भी आदमी ऐसे जगह पे नहीं बैठा होना चाहिए, दैट शुड बी मोर देन 3 मीटर हाइट। तो ये कंडीशंस पहले भी हमने डिस्कस किया है। जो ग्रॉस लेडन वेट होता है ट्रेलर का, दैट शुड नॉट एक्सीड द ग्रॉस व्हीकल वेट। ऐसा नहीं कि ग्रॉस व्हीकल वेट से वो एक्सीड कर गया जो प्रिस्क्राइब्ड वेट है। नो पर्सन शैल ट्रेवल ऑन द गुड्स कैरेज ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दिस प्रोविजन। ठीक है, जो प्रोविजंस हमने अभी अब डिस्कस किए इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके कोई आदमी ट्रेवल नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई 4 मीटर पे बैठ के ट्रेवल कर रहा है, कोई प्लेन फ्लोर के ट्रेवल ट्रेलर पे बैठ के लोग ट्रेवल कर रहे हैं, इस टाइप की चीजें इलीगल हैं। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, दैट इज 1, 2, 3, कैरीज ऑफ एनिमल इन द गुड्स कैरेज। तो आपको क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है, क्या क्या चीजें ध्यान देना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, नो कैटल शैड बी कैरीड इन द गुड्स कैरेज इन द पब्लिक प्लेस अनलेस। तो पब्लिक प्लेस में तब तक लेके नहीं जा सकते जब तक नीचे दी गई कंडीशंस को आप फुलफिल नहीं करते हो। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, दैट शुड बी इन केस ऑफ गोट, सीप, डियर एंड पिग, इनके कंडीशंस में मेंशन है। तो मिनिमम फ्लोर एरिया होनी चाहिए, दैट इज 0.19 स्क्वायर मीटर पर हेड, हर किसी को इतनी एरिया मिलनी चाहिए। सीप के केस में जस्ट रिमेंबर दिस कि यहाँ पे मेंशन है उनका नाम, जिस कैटल के यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है। प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए वेंटिलेशन की, ऐसा नहीं कि चारों तरफ से आपने उसको पैक कर दिया, ढक दिया है, इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। इन अब दूसरी बात कर रहे हैं, इन द केस ऑफ एनी अदर कैटल, इन सभी को छोड़ के बाकी किसी को आप कैरी कर रहे हो तो मिनिमम फ्लोर एरिया 2x1 मीटर होनी चाहिए पर हेड, मतलब एक के लिए 2x1 की एरिया आपको सिक्योर करना है। नेक्स्ट जो सब रूल बी है, जो लोडेड व्हीकल है जिसमें आप एनिमल को कैरी कर रहे हो, उस व्हीकल का जो फ्लोरिंग है जहाँ पे एनिमल है उसके चारों तरफ 1.5 मीटर की बैरिकेटिंग होनी चाहिए ताकि एनिमल यहाँ से जंप ना कर पाए। बेसिकली आपने देखा भी होगा कि ये वुडन लकड़ी का बना देते हैं, अगर हाइट्स की कमी है, जो चारों तरफ से बैरिकेटिंग है वो वुडन का बनाया जाता है बेसिकली। जो यहाँ पे पॉइंट सी है, जो फ्लोर होना चाहिए वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे कुछ आप वुडन का या समथिंग ऐसा प्रिवेंटिव लगा पाओ जिसपे जो जानवर है वो स्लिप ना करे। जो ऐसा कोई प्रोजेक्शन है आपके व्हीकल में, कोई हुक्स निकले हुए हैं, कुछ ऐसा है जिससे आप जानवर सफर कर सकते हैं, तो आप उसको रिमूव करोगे। कैटल प्रॉपरली और सिक्योर्ड होने चाहिए, ये सारी चीजें हैं कंडीशन, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट जो सब रूल टू है, इफ द कैटल आर कैरीड इन द डबल डेक्ड गुड कैरिज व्हीकल, तो जो अपर डेक है उस पर यू हैव टू प्रोवाइड द सीट मेटल ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, ताकि जो वेस्ट है वहां से उसको आप प्रिवेंट कर पाओ लोअर डेक पे आने से। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए ड्रेन सिस्टम का, कि कोई यूरिन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो फ्लोर पे फैल जाए और स्लिपरी हो जाए फ्लोर, तो इस टाइप का प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम का अरेंजमेंट होना चाहिए जो भी वेस्ट वहाँ पे जनरेट हो रहा है। नीचे जो फ्लोर है आप उस पर वुड का बैटरेंस लगा सकते हो जिसके वजह से स्लीपिंग को आप प्रोवाइड कर पाओगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नो एनिमल बिलोंगिंग टू इंटेंडेड ऑफ द सर्कस, अगर सर्कस के एनिमल को आप ट्रेवल कराना चाहते हो तो उनके लिए सेपरेट व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि आपके पास जो केज होनी चाहिए वो होनी चाहिए,
नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो रीजनेबल फ्लोर्स उनके लिए चाहिए रखने के लिए, वो सारी चीज़ें व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पे वन बाय वन करके कंडीशंस दी गई हैं, यू हैव टू रिमेंबर द कंडीशंस। और जो व्हीकल्स जो इन लोगों को कैरी कर रही है उसकी स्पीड 40 किमी पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो रूल है 124, यहाँ पे बात की गई है पेंटिंग मार्किंग ऑफ द मोटर कैब इन द सर्टेन मैनर, जिससे आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर ये जो व्हीकल है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है या इसका यूज पर्टिकुलर किस पर्पज से हो रहा होगा। जैसे फायर ब्रिगेड की व्हीकल है, कुछ स्पेशल कलर उसमें मेंशन होते हैं, एम्बुलेंस है, जो पोस्ट ऑफिस की व्हीकल्स हैं, तो आपको देख के पता चलता है कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस पर्पज के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, सबसे पहले बात की जाती है ऑटो रिक्शा की, और ये आप ध्यान रखोगे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी कलर्स की हम आगे बात करेंगे सबका आप ध्यान रखोगे। ऑटो रिक्शा का जो हुड है वो क्रीम येलो कलर का पेंट होगा और रेस्ट ऑफ द बॉडी ब्लैक कलर से पेंट होगी। अगर मान लीजिए उसका जो हुड है या फिर वो कोलैप्सिबल है या रिनोवेबल है, तो वहां पे आप एक बैंड बनाओगे, एक पट्टी बनाओगे 75 मिलीमीटर की, जो कि अपर मोस्ट बॉडी पे होगी और वो पेंट होगा क्रीम येलो कलर का। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं, ये थोड़ा हटके है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। कोई व्हीकल है जो कंप्रेस नेचुरल गैस से ऑपरेट होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फिर सोलर एनर्जी से ऑपरेट होती है, तो उस व्हीकल का जो हुड है वो पेंट होगा येलो कलर का, क्रीम येलो कलर का नहीं, येलो कलर का। और उसकी जो बॉडी है दैट शुड बी पेंटेड बाय द ग्रीन कलर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने MCQ भी पोस्ट किया था, इसको आप ध्यान रखोगे। अगर किसी व्हीकल में CNG किट आपने फिट कराया है तो वहां पे एक बैंड बनाओगे आप 75 मिलीमीटर वाइड, और वहां पे CNG आपको मेंशन करना होगा ताकि पता चले CNG बस है। बेसिकली आपने देखे भी होंगे लिखा रहता है एवरी मोटर कैब, जो बाकी मोटर कैब हैं वहां पे रेक्टेंगुलर बॉक्स आप एक बनाओगे जिसकी साइज होगी 30 सेंटीमीटर और विड्थ होगी 10 सेंटीमीटर हाइट, और उन सब में बैक एंड फ्रंट साइड पे ट्रांसपेरेंट होगा तो वहां पे टैक्सी मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे जो वर्ड यूज किए जाएंगे उनकी थिकनेस जो लेटर्स है बेसिकली 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 1.5 सेंटीमीटर, तो लेटर्स आपको ध्यान नहीं रखना है, बस टैक्सी मेंशन रहेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट सब रूल 2 है, यहाँ पे परमिट नंबर जो अलॉट किया गया है आपको वो कहाँ कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए उसकी बात की गई है। तो अगेन ये जो सारे पॉइंट हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रेयर बूट कहाँ कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, बट ये पॉइंट है यू हैव टू रिमेम्बर दिस, परमिट नंबर शैल बी प्रिंटेड इन व्हाइट, व्हाइट कलर में प्रिंट होना चाहिए, रेड सर्कल में प्रिंट होना चाहिए, और जो नंबर्स हैं वो उसकी जो थिकनेस दिया गया है और हाइट दिया गया है, तो यू हैव टू रिमेम्बर 50 मिलीमीटर हाइट में और 4 मिलीमीटर थिक, ये नंबर्स प्रिंट होने चाहिए व्हाइट कलर में रेड सर्कल में। तो यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस थिंग। अगेन इन द सब रूल 4 दे हैव टू मेंशन हाउ टू पेंट द विंड स्क्रीन इन द इनसाइड, दे हैव द पेंट बाय द रीजनेबल फॉर्म ताकि वो विजिबल हो इनसाइड से और पूरा कवर ना करे, ब्लॉकेज क्रिएट ना करे। जो रेयर हुड है या लेफ्ट फ्रंट डोर है या राइट फ्रंट डोर है ये भी पेंट होना चाहिए अगेंस्ट द बैकग्राउंड कलर, ऐसे सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आपका सब रूल 5 है, नो मोटर व्हीकल अदर देन द मोटर कैब ऑर्डिनरी नो अदर ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा का जो सब रूल 4 में मेंशन किया गया था कि क्रीम येलो कलर से वुड होना चाहिए, ब्लैक कलर का पूरी बॉडी होनी चाहिए, तो ऑटो रिक्शा के अलावा बाकी सारी व्हीकल इस कलर में पेंट नहीं होंगी, और ये सारे रूल्स जो हम पढ़ रहे हैं ये अप्लाई नहीं होगा टूरिस्ट व्हीकल पे। नेक्स्ट जो आपका रूल है 124A पेंटिंग एंड मार्किंग ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस इन द सर्टेन मैनर, तो उनको कैसे पेंट किया जाएगा, तो वहां पे जो पेंटिंग होगी दैट शुड बी पेंट इन द येलो कलर, येलो कलर से वहां पे पेंट होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बस, आपने देखा होगा स्कूल बस बेसिकली मेंशन किया गया रहता है। ये पेंट किया जाता है बोथ साइड ऑफ द व्हीकल विद द सर्कल हैविंग डायमीटर 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो रूल है 124B पेंटिंग ऑफ द गुड्स कैरेज कैरिंग अ गुड्स ऑफ द डेंजरस और हैजार्ड्स नेचर, तो आफ्टर द 6 मंथ ऑफ द कमिशमेंट ऑफ द गुजरात मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल दैट इज 1998, उसके बाद जो भी व्हीकल्स हैं जो ऐसे गुड्स कैरी करती हैं जो बेसिकली डेंजरस या फिर हैजार्डस नेचर के हैं फॉर द ह्यूमन लाइफ, दैट शुड बी पेंटेड ऑफ द क्रीम येलो कलर। नेक्स्ट जो सब रूल 2 है, जो सब रूल 1 में हमने पढ़ा है हैजार्ड्स व्हीकल के लिए वो अप्लाई नहीं होंगी इफ व्हीकल हैव द नेशनल परमिट, वहां पे जो पेंटिंग होगी दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, मैंने भी ये टॉपिक कवर किया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका रूल है 125 प्रोविजन ऑफ द पेंटिंग ऑफ द मार्किंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन द सर्टेन
मैनर, व्हीकल पे क्या पेंट नहीं किया जा सकता है उसकी बात कर रहे हैं, तो आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे। ये चीजें आपको अलाउबल हैं अगर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी स्पेशल ऑर्डर के थ्रू आपको ये अलाउ करती है या फिर अप्रूव करती है। और ये कंडीशन बहुत बार आपने देखे होंगे कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे एडवर्टीजमेंट रहता है। बहुत बार आपने देखे होंगे कि HIV का एडवर्टीजमेंट, अगर आप कुछ साल पहले रिकॉल कर पाओ तो थे, तो कभी भी ऐसे एडवर्टीजमेंट दिया जा सकते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर या मैनकाइंड के फेवर में है, तो ये स्पेशल ऑर्डर के थ्रू दिया जा सकता है, गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर निकालती है। नेक्स्ट जो सब रूल टू है, ये जो पोस्ट ऑफिस की व्हीकल्स हैं उसकी बात की गई है, तो पोस्ट ऑफिस की जो व्हीकल है दैट विल बी पेंटेड अप पोस्टल रेड कलर, पेंट होना चाहिए, और वहां पे वर्ड मेल मेंशन होना चाहिए, दैट विल बी द रेड कलर एंड व्हाइट बैकग्राउंड, और जो वर्ड है यहाँ पे दैट शुड बी अ 15 सेंटीमीटर हाइट एंड यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली जो पोस्टल के लिए यूज किए जाते हैं उनकी बात की गई है, किसी भी और व्हीकल को पोस्टल रेड कलर में पेंट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है रूल नंबर 3, जैसे कि मैंने कहा किसी अदर व्हीकल को बेसिकली पोस्टल रेड कलर में पेंट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कोरियर कंपनी है, वो भी पोस्ट कैरी करती है, तो ऐसा नहीं कि वो भी अपने व्हीकल को रेड कलर में पोस्ट कर दे। वो तभी पोस्ट होगा जब वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पोस्टल होगा, गवर्नमेंट की व्हीकल होगी, ये बेसिकली उसी के लिए वही व्हीकल जो गवर्नमेंट से बिलोंग करती हैं वही पोस्टल रेड कलर में पेंट की जाएंगी। नो ओमनी बस अदर देन द एजुकेशनल बस, हमने पढ़ा था रूल नंबर 120A में कि एजुकेशनल बस में येलो कलर में एजुकेशनल बस, स्कूल बस लिखा होना चाहिए, उसके अलावा किसी और व्हीकल को इस कलर में पेंट नहीं किया जाएगा। एंड इन द सिमिलर फंक्शन, कोई भी व्हीकल जो डेंजरस गुड्स कैरी करती है उसके लिए मार्क किया गया है रूल नंबर 124B, तो किसी अदर व्हीकल को उस कलर में पेंट नहीं किया जाएगा जिसमें गुड्स कैरी, ऐसे व्हीकल को पेंट किया जाता है जो डेंजरस गुड्स कैरी कर रही है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। नेक्स्ट जो रूल है आपका 126, पावर टू इंस्पेक्ट टैक्सी मीटर। तो एज सच ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो टैक्सी मीटर बेसिकली जो फेयर के लिए लगा गया होता है आपके व्हीकल्स में, तो उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है। कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? पुलिस ऑफिसर या मोटर व्हीकल का ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर हो या उससे ऊपर की पोस्ट का हो, तो वो कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं जब उनको ऐसा फील हो कि आपका जो मीटर है वो डिफेक्टिव है, या फिर आपने उसको टेम्पर किया है, या फिर किसी ने टेम्पर किया है, तो वो उसको चेक कर सकते हैं, टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में लेके जा सकते हैं, ये उनका पावर है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज 127, पावर टू इंस्पेक्ट द ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड देयर कंटेंट। तो आपकी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसको इंस्पेक्ट करना, आप उसमें क्या कैरी कर रहे हो, आपके परमिट में क्या परमिसिबल है, ऐसा तो नहीं कि जो गुड्स आपके परमिट में परमिसिबल नहीं है आप वो कैरी कर रहे हो, या फिर इस टाइप की चीजों को इंस्पेक्ट किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर मोटर व्हीकल का ऑफिसर के द्वारा जो कि रैंक करता हो सब इंस्पेक्टर या फिर इससे ऊपर के पोस्ट का। नेक्स्ट जो सब रूल 2 है, यहाँ पे सब रूल 1 का कंस्ट्रेंट दिया गया है कि सब रूल 1 में हमने जो पढ़ा है कि किसी भी टाइम आपकी जो व्हीकल्स है उसमें जो कंटेंट्स है उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है बाय द ऑफिसर, तो ये तभी किया जा सकता है जब आपके परमिट में कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट मेंशन है कि आप ये सामान या ये गुड्स कैरी नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए इंस्पेक्शन बनता है कि यू कैन नॉट कैरी द रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, अगर जो ऑफिसर्स हैं उनको कोई रीजनेबल रीजन नहीं है कि यू आर नॉट वायलेटिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग द एक्ट और रूल या प्रोविजन वॉट एवर द मेंशन, तो वो आपको चेक नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, जब वो चेक करेंगे तो ये कह देंगे कि हमें लगा कि आप यू आर ब्रेकिंग द रूल। नेवरदलेस जो रूल नंबर 3 है, जो सब रूल 3 है, कोई भी पुलिस ऑफिसर, अगेन द सेम रैंक, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और उससे ऊपर का अधिकारी, या सब इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल या उससे ऊपर का ऑफिसर, जो रीजनेबल एग्जामिनेशन है आपके व्हीकल्स के कर सकते हैं, पैसेंजर्स के या फिर जो कंटेंट्स आप व्हीकल में लेके जा रहे हो उसके, ये सारी चीजें इंस्पेक्ट वो कर सकते हैं। अगेन इन द रूल नंबर 4, द सेम ऑफिसर, मतलब अबव द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड मोटर व्हीकल, दे कैन इंस्पेक्ट द ब्रेक ऑफ द व्हीकल्स, कि आप जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं यू आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टी दैट यू आर नॉट ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ रेगुलेशन। नेक्स्ट जो रूल है आपका 128, पावर टू इंस्पेक्ट द बिजनेस प्रमाइसेस। तो आपके जो बिजनेस प्रमाइसेस है, इससे पहले अगर आप एग्जांपल के लिए लेना चाहो तो हमने एजेंट के लाइसेंस की बात किया था, जहाँ पे प्रमाइसेस की बात स्पेशली आई थी, जहाँ पे सामान लोडिंग अनलोडिंग होती है, या फिर आपके कोई स्टेज कैरेज है उसकी स्टॉपिंग की जगह है, या फिर जहाँ पे आपकी ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उसकी जो प्रमाइसेस हैं उसको इंस्पेक्ट करने का पावर होता है। कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? एनी ऑफिसर ऑफ द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट,
ऑफ मतलब असिस्टेंट इंस्पेक्टर एंड एबव द पोस्ट, तो ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल है 129, फिक्स द आवर ऑफ वर्क इन एडवांस। तो जो हमारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, अगर उसको लगता है तो दे कैन फिक्स द वर्किंग आवर या फिर वर्किंग रेगुलेशन और टाइम टेबल या शेड्यूल ऑफ द ड्राइवर। बेसिकली ड्राइवर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेंशन है आपका सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 91। तो सेक्शन 91 बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द आवर ऑफ द वर्क ऑफ द ड्राइवर, कि कोई ड्राइवर कितने घंटे तक काम कर सकता है। बेसिकली चूंकि ये पब्लिक सर्विस व्हीकल है तो आपका बेन स्ट्रेन ना हो जाए या फिर आपसे एक्सेस वर्क ना लिया जाए जिसके वजह से कियोस हो या एक्सीडेंट क्रिएट हो, तो इसके रिलेटेड अगर हमारी अथॉरिटी को चाहिए तो वो पहले से आपका वर्किंग आवर रेगुलेशन टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 और 2 दोनों को जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा वर्किंग आवर अगर फिक्स कर दिया गया है किसी ड्राइवर या कंडक्टर के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वर्किंग आवर खत्म होने के बाद उसको घर जाना है, ठीक है। वो व्हीकल पे रह सकता है, वो उसके रिलैक्स टाइम में काउंट होगा, या फिर व्हीकल खड़ी है कहीं पे और ड्राइवर उसको ड्राइव नहीं कर रहा है, कंडक्टर कोई काम नहीं कर रहा, तो वो भी उसके रिलैक्स आवर में काउंट होगा। जो रूल 130 है ये बात करता है कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ओनर्स हैं उनको क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उनसे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कौन कौन से रिकॉर्ड्स मांग सकती है। तो पहली चीज है कि जो भी कंसाइनर हैं उनका जो भी कंसाइनमेंट आपने लिया है उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी आपने ट्रिप लिया है डेली वाइज जो ट्रिप है, पर डे की जो ट्रिप है उसका रिकॉर्ड्स होने चाहिए। इन जनरल मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे नेम एंड लाइसेंस नंबर, जो भी ड्राइवर पर्टिकुलरली जो व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, जो भी कंडक्टर है उस समय, जो अटेंडेंट है, उन सब का रिकॉर्ड होना चाहिए। कौन से रूट से व्हीकल गई है, किस रूट पे उसको ट्रांसपोर्ट, कितना किलोमीटर गई है, टाइम क्या है जो कमिशमेंट है या फिर टर्मिनेशन है जो जर्नी का वो कब हुआ, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना होता है जो हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ओनर हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ईच कंसाइनर एंड कंसाइनी, कौन से कंसाइनमेंट लिया गया, किससे लिया गया, किसको डिलीवर किया गया, ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है। इन केस ऑफ द गुड्स कैरेज और स्टेज कैरेज, नंबर ऑफ ट्रिप, कितने ट्रिप हुए, कितने किलोमीटर की ट्रेवल हुई, ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। नेक्स्ट जो सब रूल 2 है, कोई भी ओनर ऐसे किसी आदमी को अलाउ नहीं करेगा जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव करे जब तक कि उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर रिकॉर्ड नहीं कर लिया जाता है। कोई भी पर्सन तब तक गुड्स कैरेज को ड्राइव नहीं करेगा जब तक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा स्पेसिफाइड बिल में जो भी पर्टिकुलर्स मेंशन किया जाता है वो सारी चीजें मेंशन ना हो। इसको कभी भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है, जो अथॉरिटी ऑलरेडी हमने मेंशन किया कई सारे जगह, जो पुलिस ऑफिसर हैं जिसकी रैंक सब इंस्पेक्टर से ऊपर की, या फिर मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के लोग इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही कम क्वेश्चन मैं मेंशन कर पाया हूँ क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मेंशन नहीं कर पाया, बट नेवरदलेस जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास केवल टाइम जो रहेगा वो केवल क्वेश्चन डिस्कशन का रहेगा, तो आगे आने वाले टाइम में केवल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे नेवरदलेस। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।